की सोलेना भगवतना मैं हूँ श्री भगवान और मेरे श्री भगवान यह अनुभव करते चलो तज ममता अभिमान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल भागवत महापुराण की जय हो, बोल संत समाज की जय हो, बोल राजा रामचंद्र की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो, बोल संत समाज की जय हो, बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आइए इको कम करवाओ, आवाज बढ़ाओ। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्वप्रथम मन वाणी पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन, क्योंकि जब तक पाप रहेगा तब तक कथा में मन नहीं लगेगा। हम नहीं कह रहे कि पंडित जी कह रहे हैं, गोस्वामी बाबा पहले लिख गए कि तुलसी पूरब पाप से हर चरचान सुहाय, कै उघे कै उठ चले कै दे बात चला। तो अब पापों को जलाने के लिए राम नाम रूपी औषधि, कृष्ण नाम रूपी सावन। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लें, पवित्र हो जाएं, उसके बाद हर कथा श्रवण करें। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। श्री राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय हो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। चरणों में प्रीत किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण
नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी भक्तगण, श्रोतागण यहां पर पधारे हुए सभी संत जन गुरुजन, देवी देवताओं, माताएं बहनें एवं बालक बालिकाओं, आज इस कथा को प्रथम दिन है और प्रथम दिन कलश यात्रा, मंडप की सजावट, देवी देवताओं का आवाहन, पूजन, अनेक कार्य, इसलिए आज कथा विलंब से 3:30 बज चुके हैं, लेकिन कल से कथा का समय 12 से 5 या फिर आप लोग जो कहोगे, जो भी समय रखो, क्या समय रखो। अब हमारे यहां तो 12 से 5 रहता है, तो आप जो बताओगे सो अभी बता दे। बोले भक्तवत्सल भगवान की 1 बजे से 6 बजे तक, हाँ तो 1 से 6 यह समय। भैया मैं तो कहीं जाना नहीं, तो आप जो कहोगे वही समय हम रखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कल अपना समय रहेगा 1 बजे से 6 बजे तक, यह कथा का समय कल से। आज जैसी जितनी परमात्मा की इच्छा, थोड़ी बहुत देर अपन कथा श्रवण करेंगे। यहां अपन भागवत में प्रवेश करते हुए भागवत में 18,000 श्लोक, व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो भागवत के प्रथम श्लोक में वंदना कर रहे हैं। क्यों वंदना की? क्योंकि हम और आप जानते हैं, कोई भी काम प्रारंभ करो तो किसी न किसी देव की वंदना जरूर करते हैं। चाहे तो अपन विवाह शादी का काम प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना, या गृह प्रवेश करें, मकान बनवावे, या कोई भी काम धंधा बिजनेस व्यापार, तो किसी न किसी देव को जरूर पहले मनावेंगे, तब उस कार्य को प्रारंभ करेंगे। यह हम और आप सबका नियम है। अब हम यहां मंच पर वक्ता बन के बैठे कथा सुनाने के लिए, तो हमने भगवान के 10-5 श्लोक पढ़ करके भगवान को मनाया। हे प्रभु, इतनी ताकत देना कि 7 दिन हम कथा सुना सके, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के 7 दिन तो बहुत हैं, 7 मिनट नहीं सुना पाएंगे। सुना सकते? एक नस दबा दे परमात्मा तो 2 मिनट में पागल हो जाएंगे। भैया पंडित जी तो पागल हो गए, एक नस दबाने वाले। कब तक कथा सुना रहे हैं? जब तक परमात्मा की कृपा है,
तो हमने भगवान से दस बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे राधे राधे। हाँ ठीक है ठीक है, बाद में कर लेना। तो यहाँ हमने भगवान के 10-5 श्लोक पढ़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमें इतनी ताकत देना कि हम 7 दिन कथा सुना सके। अब हम वक्ता आप लोग श्रोता, तो आप लोगों को भगवान से ऐसे प्रार्थना करनी है, प्रभु इतनी ताकत देना कि मन लगा करके श्रद्धा भक्ति के साथ हम कथा सुन सके, हमारा कथा में मन लग जाए। अब आप लोग कहोगे पंडित जी हम तो श्लोक जानते ही नहीं। कोई बात नहीं, भगवान को किसी भी भाषा में मना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम श्लोक पढ़ के ही मनाएं। अभी जो हमने अपने कीर्तन किया तो भगवान नाम कीर्तन करते हुए भगवान से यही प्रार्थना, हे प्रभु इतनी ताकत देना कि 7 दिन हम मन लगा करके कथा सुने। ऐसे ही जब व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो भागवत में 18,000 श्लोक, और भागवत के पहले श्लोक में व्यास जी वंदना कर रहे हैं। अब व्यास जी ने किस देवता की वंदना की, यह भागवत के पहले श्लोक को समझें। भागवत का प्रमुख देव है कौन, भागवत में किसकी वंदना, किसकी पूजा, किसकी महिमा। रामायण में राम जी की पूजा, शिव पुराण में शिव जी की पूजा, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की पूजा, देवी भागवत में माँ भगवती शक्ति दुर्गा की पूजा, महिमा वंदना। अब भागवत में किसकी वंदना, व्यास जी भागवत में किस देवता को मना रहे हैं, भागवत का प्रमुख देव है कौन, यह भागवत के पहले श्लोक को समझेंगे। व्यास जी कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यह भागवत का पहला श्लोक, अब इसे थोड़ा समझो। व्यास जी क्या कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद भगवान के चरणों में नमन करते हुए, कौन सच्चिदानंद भगवान। अब सच्चिदानंद कौन है, किसे कहते हैं सच्चिदानंद, सत चित आनंद सच्चिदानंद सत। सबसे पहले व्यास जी ने सत्य को नमन किया, भगवान का पहला नाम, भगवान कृष्ण का पहला नाम सत्य। अब सत्य ढूंढो, जा संसार में सत्य कौन है, मानव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधा जीव जंतु खेत खलियान मकान दुकान सगे संबंधी भाई बंधु हितू नातेदार ढूंढो, इनमें कोई आपको लग रहा है ये सत्य है। सत्य का मतलब क्या होता है, जो कभी नष्ट ना हो, जो हमेशा रहे। अब ढूंढो जा संसार में ऐसी कौन चीज है जो हमेशा रहेगी, मानव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधा घर मकान दुकान सगे संबंधी रहेंगे ना, एक ने एक दिन सबको जाना है, सब नष्ट होगा, और जो नष्ट होगा उसे हम सत्य नहीं कह सकते। फिर ऐसा कौन है जो हमेशा सत्य रहता है, ऐसा तो केवल वही परमात्मा है, नारायण है, जगत पिता है, जगदीश्वर है, जो महाप्रलय के बाद भी सारे संसार को अपने पेट के अंदर समाहित करके और क्षीर सागर में शयन कर जाते प्रभु, ऐसा केवल परमात्मा नारायण जगत पिता। तो आज यहां व्यास जी
उस परमात्मा नारायण जगदीश्वर के चरणों में आज नमन करते हुए सत्य के चरणों में सत्य चित, चित माने प्रकाश जो हमारे अंदर आपके अंदर या संसार में भीतर बाहर वह परमात्मा रूपी प्रकाश ये बोल रहा है। ये कौन है? बोलने वाला कौन है? ईश्वर अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशी। चेतन अमल सहज सुख राशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर यह परमात्मा रूपी अंश और जब शरीर से निकल जाए तो दो मिनट में घर वालों को जल्दी पड़ती है, भैया काय को रखे मिट्टी है जल्दी करो ले चलो, क्योंकि वह परमात्मा रूपी प्रकाश या शरीर से जा चुका है। और जब तक यह प्रकाश है इस शरीर के अंदर ईश्वर अंश है और तभी तक यह शरीर काम कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। तो वह प्रकाश वह परमात्मा रूपी जो हमारे अंदर आपके अंदर संसार में वही प्रकाश परमात्मा संसार को प्रकाश देने वाला ऐसे चित प्रकाश उन भगवान के चरणों में व्यास जी ने नमन किया। सत्य चित आनंद, आनंद भगवान के चरणों में। अब आनंद देखो कहां है संसार में, कहीं मिल जाए आनंद, क्योंकि व्यास जी तो आनंद के चरणों में नमन कर रहे हैं। अब किसी आदमी ने समोसा खाए, वाह आनंद आ गया, वाह। किसी ने दाल टक्कर खाए, वाह भैया आनंद आ गया। किसी व्यक्ति ने रसगुल्ला खाए, वाह आनंद आ गया। क्यों? रसगुल्ला खाने में आनंद है, समोसा खाने में आनंद है? अगर समोसा खाने में आनंद होता तो एक व्यक्ति तो समोसा खा रहा है और दूसरा भैया हमें नहीं अच्छे लगते। एक तो रसगुल्ला 40 गोविंदा नमो नमः और दूसरा हम नहीं खाते भैया, हम आत्मे भी नहीं लेते, हमें अच्छे नहीं लगते। क्योंकि आनंद होता रसगुल्ला खाने में तो सबको अच्छे लगते। इसका मतलब आनंद है नहीं, लेकिन हम मान बैठे कि आनंद है। हमको संसार में भ्रम हो गया कि समोसा खाने में आनंद है, दाल टक्कर में आनंद है, गृहस्थाश्रम में आनंद है। अरे बेटा, जब संसार में कहीं आनंद नहीं है, फिर आनंद कहाँ है? आनंद तो केवल परमात्मा की कथा में। जो आनंद सिंधु सुख राशी। जो आनंद सिंधु सुख राशी। सीकर ले त्रैलोक सुपासी। सीकर दे त्रैलोक सुपासी। आनंद तो केवल भगवान की कथा में है, भगवान के नाम में है, भगवान के शरण में चला जाए जीवन आनंदमय बन जाए, क्योंकि वह परमात्मा स्वयं आनंद में रहने वाला और जो उनकी शरण में जाए आनंदमय बनाने वाले है? केवल भगवान के चरणों में आनंद है, उनके कीर्तन में, भजन में, कथा में आनंद है। और कहीं संसार में आनंद है नहीं, लेकिन हमको भ्रम हो गया कि बड़ा आनंद है। ऐसे आज आनंद भगवान के चरणों में व्यास जी ने नमन किया और तब हुआ सत चित आनंद, सच्चिदानंद के चरणों में नमन। बदल दो बोल, वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले प्रभु हम आपके चरणों में। भ
भजो राधे गोविंद गोपाला, भजो राधे गोविंद नंदलाला, भजो राधे गोविंद गोपाला, भजो राधे गोविंद नंदलाला, भजो राधे गोविंद गोपाला, भजो राधे गोविंद नंदलाला। बोले भक्तवत्सल भगवान की। विश्वोत्पत्याद हेतवे, अब व्यास जी विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले प्रभु आपके चरणों में नमन है। तो व्यास जी अब यहां पर तीन देवताओं के चरणों में नमन कर रहे हैं, क्योंकि व्यास जी कह रहे हैं विश्वोत्पत्याद हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले प्रभु आपके चरणों में नमन है। तो उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी। और पालन भगवान विष्णु, संहार भगवान शंकर। तो व्यास जी तीन देवताओं को चरणों में नमन कर रहे हैं, नहीं इन तीनों से भी जो ऊपर है वह है परमात्मा जो पूर्ण रूप है। देखो ब्रह्मा एक नहीं है, विष्णु भी एक नहीं है और शंकर भी एक नहीं है। अब आप लोग कहोगे तो पंडित जी हजारों हैं क्या? यह देवी भागवत में कथा मिलती है। कैसे? ब्रह्मा एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहते हैं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर। और ब्रह्मांड कितने? अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, यह तो कहावत आपने सुनी होगी, अखिल कोट करोड़ों ब्रह्मांड हैं। और करोड़ों ब्रह्मांडों का जो नायक, नायक माने प्रमुख मुखिया, जो करोड़ों ब्रह्मांडों का प्रमुख है, वही जिसके आदेश पे यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों काम कर रहे हैं, वह परमात्मा। हे प्रभु, आप ब्रह्मा बनकर के सृष्टि करते हो, आप विष्णु बनकर के पालन करते हो और आप ही शंकर बनकर के श्रृंगार करते हो। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपके चरणों में हमारा नमन है, विश्व की उत्पत्ति पालन श्रृंगार करने वाले प्रभु। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप संता मिटाने वाले प्रभु आपके चरणों में, आपकी शरण में अगर कोई जीव पहुंच जाए तो दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा, सारे ताप संता मिटाने वाले प्रभु आपके चरणों में हमारा नमन है। अब इस श्लोक के तीन चरण हो गए, लेकिन अभी तक नाम नहीं लिया, अब नाम लिया। चौथे चरण में अब क्या कहा व्यास जी ने? श्री कृष्णाय वयम नमः, अब नाम आया कृष्ण का। और अकेले कृष्ण के चरणों में नमन नहीं, क्योंकि एक वचन होता तो अपन मान लेते अकेले कृष्ण के चरणों में नमन। वयम, अब कोई और भी है कृष्ण के साथ, अब और कौन होगा? रास राजेश्वरी राधिका और कृष्ण। मानो व्यास जी भागवत में राधा कृष्ण युगल जोड़ी के चरणों में नमन करते हुए, और भागवत का प्रमुख देव राधा कृष्ण है, दोनों हैं, क्योंकि राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यह देवी भागवत में हमने पढ़ा, और देवी भागवत में ऐसा लिखा है कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जल में शयन करते करते उनकी इच्छा हुई चलो संसार बना में, तो अपने शरीर के दो हिस्सा कर दिए, आधे शरीर से कृष्ण और आधे वामांग से राधा को प्रकट कर दिया। अब बताओ एक शरीर के कोई एक वस्तु हो
और एक के दो हिस्सा कर दो, आधा आधा कर दो, तो बताओ उनमें कौन छोटा कौन बड़ा है? क्योंकि कृष्ण का ही आधा शरीर राधा है, मामांग शरीर वही राधा है। अब राधा कृष्ण में बिल्कुल अंतर नहीं, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। मानो दो शरीर हैं और एक शक्ति है, एक पावर है। चाहे कृष्ण का भजन करो तो राधा का भजन है, और राधा का भजन करो तो कृष्ण का भजन है, क्योंकि पावर एक, रूप अलग अलग, नाम अलग अलग, लेकिन पावर एक है, शक्ति एक है। उसी परमात्मा आज यहां राधा कृष्ण को व्यास जी नमन करते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की के नैम से सूत मासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवी। नैमसारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि शौनक आदि 88,000 ऋषि कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। अब थोड़ा समझ ना, नैमसारण क्षेत्र में श्रोता कितने हैं? 88,000 शौनक आदि ऋषि, और वक्ता उच्च आसन बना हुआ है, उसके ऊपर कोई वक्ता नहीं, मंच सूना पड़ा है। 88,000 ऋषि विचार कर रहे हैं कोई ऐसा ज्ञानी आ जाए, कोई ऐसा गुरु आ जाए, उच्च आसन पर बैठ करके हमें सुंदर सुंदर कथा सुनावे। और इतने में सूत जी महाराज आए, सामने से सूत जी महाराज गंगा के किनारे, जिनकी 20 वर्ष की आयु है, और जो 88,000 ऋषि बैठे हैं ना सोनकादी, किसी ऋषि की उम्र है 500 वर्ष, किसी की 1,000 वर्ष, किसी की 1,100 वर्ष, किसी की 1,500 वर्ष। अब इतनी लंबी लंबी आयु वाले संत 88,000 सोनकादी, और उनके बीच में 20 वर्ष की आयु सूत जी, जब आए तो सब ऋषि खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे, आओ आओ गुरुदेव, आओ आपका स्वागत है, आओ। अब थोड़ा विचार करना, जिनकी 20 वर्ष की आयु और लंबी लंबी आयु वाले संत खड़े होकर उनका स्वागत किया, वंदन किया, अभिवंदन किया, और हाथ पकड़ करके उच्च आसन पर बिठा दिया, हे गुरुदेव इस आसन पर बैठ जाओ और हमें सुंदर सुंदर कथा सुनाओ। ऐसा क्यों किया? अरे होना तो यह चाहिए, जिनकी 1,000 वर्ष, 1,500 वर्ष, 1,200 वर्ष, कोई लंबी आयु वाला संत उच्च आसन पर बैठ जाता और कथा सुनाता, लेकिन 20 वर्ष की छोटी आयु और सूत जी को उच्च आसन पर क्यों बिठाला, और लंबी लंबी आयु वाले संत नीचे कथा श्रवण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठे, क्यों, कारण क्या हुआ? अब थोड़ा समझो, अपने यहां बड़े कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एक आयु वृद्धा, अपने गांव में कोई बाबा जी हो और 90 वर्ष के बाबा जी हो गए परिवार में, गांव में प्रपुन क्या कहते हैं, भैया ये बाबा जी पूरे गांव में सबसे बड़े हैं, 90 वर्ष के हो गए, इनसे बड़ा अब कोई नहीं। ये माता जी पूरे परिवार में सबसे बड़ी हैं, 95 वर्ष की हो गई, इनसे बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ी है। बड़ा लंबी आयु उसे हम बड़ा कहते हैं। और दूसरे बड़े कौन है? पैसे वाले को, धनवान को, जिसके पास धन अधिक हो, पैसे वाला हो, उससे क्या कहा जाता है? भैया बड़े आदमी है, ठाट बाट है, पैसा वाले है, कहते हैं कि नहीं, तो पैसे वाले को भी बड़ा कहा जाता है। और तीसरा बड़ा किसे कहते हैं? बलवान को, ताकत ज्यादा, न आयु और न धन, लेकिन ताकत है, भैया उलझना मत, ताकत ज्यादा, बड़े आदमी है। और चौथे चौथे बड़ा कहा जाता है ज्ञानवान को, विद्यावान को। अब चार बड़े हो गए, इन चारों में विचार करो सबसे बड़ा कौन है? आयुवान, धनवान, बलवान, विद्यावान। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? विद्यावान। कि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते,
राजा की पूजा कहां तक होगी पता है? स्वदेशे पूज्यते राजा, जहां तक उसका राज्य होगा वहां तक उसकी पूजा होगी, और दूसरे देश में जाएगा तो महिमा पूजा कम हो जाएगी। अब एमपी का मुख्यमंत्री और बिहार में जाए या यूपी का मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश में जाए तो बताओ वहां के मुख्यमंत्री की जय जयकार होगी कि यूपी वाले है? मतलब राजा जहां जिस प्रांत का जिस देश का राजा वहां उसकी जय जयकार महिमा, और दूसरे देश में जाएगा तो कम हो जाएगा। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, चाहे देश में रहे चाहे प्रदेश में जाए, जहां जाएगा वहीं पूजा और सम्मान पाएगा, क्यों? विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। आज यहां पर यही तो हुआ, 88,000 ऋषि बैठे, लंबी लंबी आयु वाले, सोनक आदि, 1,000 वर्ष, 1,500 वर्ष, 1,200 वर्ष और 20 वर्ष के सूत जी आए तो सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आओ गुरुदेव, उच्च आसन पर बिठाल दिया, धूप दीप आदि से पूजन किया। क्यों? क्योंकि वह ज्ञानवान है, विद्यारूपी धन है, शास्त्रज्ञ है, इसलिए उच्च आसन पर बिठाल करके पूजा की। अब हाथ जोड़ करके सोनक आदि बैठ गए सामने और प्रश्न करने लगे कि अज्ञान अध्वान्त विध्वंस, हे गुरुदेव कि हां कि अज्ञान अध्वान्त विध्वंस, कोट सूर शम प्रभा सूताख्याय कथा सारम मम करण रसायन। हे गुरुदेव आप हमको ऐसी सुंदर कथा सुना में कैसी कि अज्ञान अध्वान्त विध्वंस, जो अज्ञान को हृदय से निकाल दे और ज्ञान हृदय में डाल दे, ज्ञान देने वाली कथा। महाराज करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश करने वाली हृदय में ऐसी सुंदर कथा सुनाओ, और कैसी कथा हो? मम करण रसायनम, जो हमारे कानों को रसमय प्रिय कथा हो, रसमय कथा हो, ऐसी सुंदर कथा हो, और कैसी हो? भक्ति ज्ञान विराग विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कथा हो गुरुदेव जिस कथा को सुनते भक्ति ज्ञान वैराग्य हृदय में उत्पन्न हो जाए, माया संसार की माया से नाती बेटा पंती संती खेत कल्याण मकान दुकान सगे संबंधी इनसे हमारा मन हट जाए और परमात्मा के चरणों में मन लग जाए, ऐसी कथा सुनाओ। और गुरुदेव के एहा घोरे कलौ प्राय, आगे चलकर के घोर कलयुग आ रहा है और घोर कलयुग में असुर बुद्धि के जीव होंगे, उन असुर बुद्धि वाले जीवों का कल्याण करने वाली कथा हो, वह कथा गुरुदेव हमें सुनाओ। ओ महाराज कैसी कथा हो? पावनानांच पावनम, अपवित्र को पवित्र करने वाली नहीं तो पावनानांच पावनम, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाली कथा, ऐसी कथा हमें सुनाओ गुरुदेव। और कैसी हो? कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, ऐसी कथा हो गुरुदेव जिस कथा को सुनते कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण दर्शन हो जाए, वह कथा सुनाओ। और गुरुदेव आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुरु की अगर कृपा हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर किसी आदमी को चिंतामणि मिल जाए और चिंतामणि से आदमी कहे चिंतामणि हमें लौकिक सुख दे दो, संसार का सुख दे दो, तो चिंतामणि में इतनी ताकत है वह लौकिक सुख दे सकती है। सुरदुरु स्वर्ग संपदा, अगर स्वर्ग का कल्प वृक्ष मिल जाए और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई व्यक्ति कहे कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति दे दो, तो कल्प वृक्ष में इतनी ताकत है वह स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। और गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो कि चिंतामणि लोक सुखम, चिंता मणिर लोक सुखम सुरदुरु स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। अगर कहीं गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम,
जो बड़े बड़े संत मुनि महात्माओं के लिए वैकुंठ दुर्लभ है और गुरु की कृपा से सहज में प्राप्त हो जाता है। हे गुरुदेव, आप हमको ऐसी सुंदर कथा सुनाओ जो कृष्ण दर्शन कराने वाली कथा हो। ऐसे हजारों प्रश्न करे उन 88,000 ऋषि सोनक आदि ने। एकदम सूत जी महाराज ने विचार किया कि वास्तव में ये पक्के श्रोता हैं कि नहीं, इनको हमें कथा सुनानी चाहिए कि नहीं सुनानी चाहिए। और एक मिनट में विचार करके क्या उत्तर दिया सूत जी महाराज ने, सुनो भैया 88,000 ऋषियों, के काल प्याल मुख ग्राश त्राश निर्णाश हे तवे और श्रीमद भागवत शास्त्रम कलौ की रेण भाषितम। सूत जी महाराज कहने लगे, सुनो काल प्याल मुख ग्राश, हम और आप सब काल रूपी सर्प के मुख में बैठे, और काल रूपी सर्प कब अपना मुख बंद कर दे एक मिनट का किसी को मालूम नहीं। क्यों मालूम है? अभी हम श्लोक पढ़ रहे हैं और आगे का श्लोक पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। एक मिनट में गोविंदा नमो नमः कब प्राण चले जाए किसी को मालूम नहीं। और काल रूपी सर्प के मुख में हम और आप सब बैठे हैं, और ऐसे काल रूपी सर्प के मुख में बैठा हुआ व्यक्ति श्रीमद भागवत शास्त्रम अगर कहीं भागवत की कथा सुन ले तो कलौ कीरेण भासता, वह कलयुग से इस भव सागर से पार हो जाता है। ऐसी यह भागवत है। और यह भागवत ऐसे ही नहीं कि फ्री में मिल जाए। मन की शुद्धि के लिए भागवत से बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं। कि ए तस्माद परम किंचन मन शुद्धैन विद्यते जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। मन की शुद्धि के लिए भागवत से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं। और यह मत समझना कि भागवत फ्री में मिल जाती है। सुनवे, फ्री में नहीं मिलती। अब आप लोग कहोगे पंडित जी हमारा क्या लगा, यह टेंट परीक्षक जी ने मंगवाया, माइक की व्यवस्था उन्होंने की, पेमेंट वही देंगे, संगीत वालों का पेमेंट वह देंगे, आपकी दक्षिणा वह देंगे, कूलर उन्होंने मंगवाए, हम तो आकर के बैठे आराम से ठंडी हवा में कथा सुन रहे हैं, हमारा क्या लगा, फ्री में ही तो मिली है ना। पैसे से कथा नहीं मिलती। अगर पैसे से कथा मिलती तो जितने बड़े पैसे वाले जिनकी फैक्ट्री चल रही है, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर, उनसे कहोगे भैया आप 2 घंटे कथा सुन लो, अरे पंडित जी मरबे को टाइम ना, पानी पीवे की फुर्सत ना, आपको तो बातें आ रही, हमें पूछो सुबह 5 बजे के निकलते रात को 9 बजे आते हैं, पानी पीवे की फुर्सत ना। क्योंकि पैसे वालों को कथा नहीं मिलती। अगर कोई पैसे से कथा सुनना चाहे नहीं मिलेगी, तो कथा मिलती है अपना भाग्य, कोई पुण्य, पिछले जन्म का कोई पुण्य, इस जन्म का कोई पुण्य उदय होता है और तब कहीं भागवत श्रवण करने को मिलती है। और एक जन्म का पुण्य नहीं तो कि जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तब कहीं भागवत श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। अब आप लोग कहोगे पंडित जी अब लगाओ विचार, अभी कलश यात्रा में कितनी भीड़ थी, इतने ही थे जितने बैठे, नहीं इससे ज्यादा, लेकिन आधे कहां चले गए? क्योंकि आज उनका भाग्योदय नहीं हुआ। अब आज जिनका भाग्योदय हुआ, जिनके पुण्य इकट्ठे, उन पुण्यों ने धक्का दिया, चल पहुंच पंडाल में, मन हुआ आ गए पंडाल में पहले ही दिन। अब कुछ लोगों का कल धक्का पड़ेगा, बिहारी जी कल धक्का लगाएंगे, चल बेटा तेरा नंबर आ गया तू भी जा पंडाल में पहुंच, कल और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। कुछ परसों, कोई चौथे दिन, पांचवे दिन, छठवे दिन, सातवें दिन, और सातवें दिन तो चकाचक पंडाल, पांव रखने की जगह नहीं होगी, जगह गारंटी है सातवें दिन। और सातवें दिन ना आ पाए तो आठवें दिन भंडारे में पक्का आई जाएंगे, क्योंकि भैया आज तो भंडारा है, आज तो चलो। अब आप सोच रहे कि भंडारा, भंडारा भी नहीं मिलेगा, अगर परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो कहो भंडारे कितना ऐसा काम पड़े कि दिल्ली आगरा जानू ही पड़े।
अरे पंडित जी क्या बतावे, हम तो आ ही रहे थे लेकिन ऐसा काम आया तत्पर कि हमको जाना पड़ा, भंडारा भी नहीं हम तो खा पाए। क्योंकि भंडारा और कथा ये भगवान की तब मिलेगी जब तुम्हारा कोई पुण्य होगा, धक्का पड़ेगा तभी तुम पंडाल तक आ पाओगे, नहीं उलझे ही रहोगे संसार के कामों में और पंडाल तक नहीं आ पाओगे। हम नहीं कह रहे कि पंडित जी कह रहे हैं, श्लोक देखो कि जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। आज अब सूत जी महाराज कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, तुम्हारा भगवान की कथा में बड़ा प्रेम है, श्रद्धा भक्ति है, अब तुम्हारे प्रेम को देख करके हम तुम्हें गुप्त ज्ञान दे रहे हैं। वह है गुप्त ज्ञान जो हमारे गुरु व्यास पुत्र सुखदेव ने अपना परम शिष्य जान करके हमें एकांत में सुनाया, वही गुप्त ज्ञान हम तुम्हें सुना रहे हैं। सुनो, व्यास पुत्र सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के किनारे विराजमान हुए। राजा परीक्षित श्रोता बन के बैठे हैं और व्यास पुत्र सुखदेव कथा सुनाने के लिए उच्च आसन पर विराजमान, कथा प्रारंभ होने वाली। और उसी समय देवता आ गए स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के, और देवताओं ने आकर के कहा गुरुदेव, सुखदेव जी महाराज से, हे गुरुदेव, यह राजा परीक्षित को श्राप लगा है, सप्तमे तक्षके हनि, सातवें दिन तक्षक सर्प डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। हम यह स्वर्ग से अमृत लाए हैं और इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, राजा अमर हो जाएगा, तक्षक सर्प डसेगा लेकिन राजा की मृत्यु नहीं होगी। व्यास पुत्र सुखदेव ने कहा, भैया देवताओं, तुम राजा परीक्षित के ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है, राजा को अपना अमृत क्यों पिलाना चाहते हो? तब देवता बोले, गुरुदेव, हम फ्री में नहीं दे रहे अपना अमृत, तो अरे हम कथारूपी अमृत, अपने अमृत को राजा परीक्षित को पिला करके और बदले में जो आप राजा परीक्षित को कथामृत पिलाने जा रहे हो उस कथामृत को पीने हम देवता आए हैं। हमने यह विचार किया है कि हमारा स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और कथारूपी अमृत हम देवताओं को पिला दो, हम अदला बदली व्यापार करने आए हैं। अब सुखदेव जी ने विचार किया, क्यों वास्तव में यह हमको व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और एक मिनट में विचार करके क्या उत्तर दिया कि क्वा सुधा क्व कथा लोके, क्वा सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचा क्वा मणिर महान, और ब्रह्म रातो विचारेव तदा देवान जहास। अरे भैया देवताओं, कहां एक कांच का टुकड़ा और कहां एक मणि, और कोई व्यक्ति कहे भैया कांच का टुकड़ा ले लो और मणि हमें दे दो, अब कांच का टुकड़ा और मणि यह व्यापार कैसे हो सकता है, कांच का टुकड़ा मणि की बराबरी कैसे कर सकता है? ऐसे ही आप जो स्वर्ग से अमृत लाए हो यह कांच के टुकड़े के समान है और हमारा जो कथामृत है यह बहुमूल्य मणि के समान है। भैया ये अपना कथामृत हम तुम्हें नहीं पिला सकते, ले जाओ अपना स्वर्ग का अमृत, और ठुकरा दिया सुखदेव जी ने। ऐसे देवताओं की हंसी उड़ा दी, देवान जहासा, देवताओं से मने कर दिया। देवता खिन्न मन दुखी मन होकर के अपना अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग के लिए चले गए। अब देवता स्वर्ग में तर्क वितर्क कर रहे आपस में, भैया क्या कथारूपी अमृत इतना बड़ा है, इतना महान है कि व्यास पुत्र सुखदेव जी ने हमारे स्वर्ग के अमृत को कथामृत के सामने ठुकरा दिया? और ऐसे तर्क वितर्क कर ही रहे और इतने में 7 दिन निकल गए, और 7वें दिन उनके कानों में आवाज आई उड़ते उड़ते कि राजा परीक्षित का 7 दिन भागवत श्रवण करने से मोक्ष हो गया, विमान आया और परम गति हो गई, परम धाम के लिए चले गए। एकदम माथा ठंडाया देवताओं का, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे भागवत श्रवण करने से और परीक्षित का मोक्ष, क्या भागवत इतना महान है? भैया इसका तो पता लगाना पड़ेगा।
सब देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने कहा भैया देवता आओ आओ, कहो कैसे आए। देवता बोले ब्रह्मा जी हाँ हमने सुना है कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई भागवत की और 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष हो गया, क्या भागवत इतना महान है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम कैसे बता दें कि भागवत महान है कि नहीं है, तो कब पता लगेगा। ब्रह्मा जी बोले तराजू लगा लो अभी पता चलता है। और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लगाई और तराजू के एक पल्ला में भागवत महापुराण रख दिया और एक पल्ला में जितने कल्याण के साधन सब रख दिए। अब ब्रह्मा जी ने तराजू को तोला, जो तोला कि सत्य लोके तुलाम बद्धा तौले यत साधनांजया लघुन्यानि जातानि गौरवेणा इदं महत्। जो ब्रह्मा जी ने तोला तो जिस पल्ले में भागवत महापुराण रखा वह सब पे भारी पड़ गया और जितने कल्याण के साधन सब ऊंचे उठ गए, हल्के पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया देवताओं देख लिया ये भागवत सब पे भारी पड़ रहा है और भागवत से बड़ा कोई कल्याण का दूसरा साधन नहीं, यही मोक्ष का साधन है। तब कहीं देवताओं को जाकर के विश्वास हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण भगवान की जय हो। ऐसी है भागवत कथा। अब एक दिन की बात कि एकदा विशालाया चत्वार रसयो मला
सत्संगार्थम समायाता ददरुस्तत्र नारदम। एक दाय विशालायाम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यह सृष्टि में ब्रह्मा जी के पहली संतान जिन्हें मानसिक संतान कहते हैं, यह भगवान की नाभि, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा कमल के पुष्प को बैठ करके और मन में संकल्प किया चार बेटा उत्पन्न हो जाएं और सबसे पहली यह संतान चार बेटा मन के द्वारा उत्पन्न हुए, इन्हें कहते हैं मानसिक संतान शनकादिक ऋषि। चारों बैरागी हो गए, सत्संग की इच्छा से संसार में भ्रमण करने लगे। एक दिन यह चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और गंगा जी के किनारे घूम रहे। क्यों घूम रहे? हमारी आपकी तरह ना, संत कभी व्यर्थ में नहीं घूमते, सत्संगार्थ समायाता, सत्संग की इच्छा के लिए घूम रहे। कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां बैठ करके हम सत्संग कर सके। और इतने में सनकादिक ऋषियों ने सामने से क्या देखा, नारद जी चले आ रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी तेज गति के साथ में, खिन्न मन, दुखी मन, कांतिहीन, व्याकुलता के साथ में। एकदम सनकादिक ऋषियों ने पूछ दिया नारद जी को, हे नारद जी आप इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका मलिन चित्त है, दुखी जान पड़ते हो, कांतिहीन दिखाई दे रहे हो, बड़े व्याकुलता के साथ भाग रहे हो। अरे कहां जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी व्याकुल में? आप तो ऐसे व्याकुल हो रहे हो जैसे किसी आदमी का धन लुट जाए और तब आदमी व्याकुल होकर के भागता है चारों तरफ। क्या आपका कोई धन लुट गया है? नारद जी कहने लगे, ना ना ना, हे सनकादिक ऋषियों, हमारा कोई धन नहीं लुटा। तो फिर कहां जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी व्याकुलता से? तब नारद जी कथा सुनाने लगे कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिन्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अब नारद जी कहने लगे, हे सनकादिक ऋषियों, हमारा मन अशांत हो गया और मन की शांति के लिए हमने सोचा भैया कहां जाएं, तो हमारे मन में विचार आया कि पृथ्वी सबसे उत्तम है और पृथ्वी के ऊपर जितने पवित्र पवित्र तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थों में चलो भ्रमण करेंगे और मन शांत हो जाएगा। और वास्तव में सही बात है, जब घर गृहस्थी में अपना मन अशांत हो जाता है ना, नाती बेटा बहुए गृह कलेश, तब आदमी क्या करता है, भैया चलो वृंदावन घूमे हमें, चलो अयोध्या, चलो चित्रकूट, और दो चार दिन घूमेंगे फिरेंगे, गंगा नहाएंगे और मन को शांति मिलेगी और फिर लौट के हम घर आ जाएंगे। और तीर्थ यात्रा करने पर मन शांत हो जाता है। नारद जी ने कहा, सनकादिक ऋषियों, मन की शांति के लिए हमने पृथ्वी को उत्तम माना कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकला पृथ्वी पर। सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी कहां कहां गए, किस तीर्थ में गए? कि पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया और श्वेतवन रामेश्वर गया। कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम। सब तीर्थों में भ्रमण किया लेकिन किसी भी तीर्थ में हमारे मन को शांति नहीं मिली। सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी शांति क्यों नहीं मिली? कि कलना धर्म मित्रेण, कलयुग और अधर्म दोनों मित्र हैं और कलयुग अधर्म दोनों की मित्रता के कारण तीर्थों का सार लुप्त हो गया, सार चला गया। पता है हम तीर्थ यात्रा करते हुए हमने क्या देखा तीर्थों में? सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी क्या देखा? कहा सुनो कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा
बरा का कूट भाषण। हमने तीर्थ यात्रा करते समय सारे भूमंडल पे देखा सत्यम, कोई सत्य बोलने वाला नहीं है। अब आप ही लोग बताओ, नारद जी सही कह रहे हैं कि झूठ है? नारद जी कह रहे हैं कि सारे भूमंडल पे सब तीर्थों में हमने ढूंढा लेकिन कोई सत्य बोलने वाला नहीं मिला, सब झूठ बोल रहे हैं। आज बताओ है कोई सत्य बोलने वाला? और अगर कहीं 10-5 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने कहा सारे भूमंडल पे कोई सत्य बोलने वाला नहीं है। अब आप ही लोग बताओ, अगर थोड़े बहुत अगर कोई सत्य बोलने वाले थे तो जब मोबाइल फोन चलो तब से और ज्यादा झूठ लगाओ। फोन भाई साहब कहाँ हो? भिंड है और 10 मिनट में दरवाजे पे खड़े। भाई साहब अभी तो आप कह रहे कि हम भिंड हैं, यहाँ कहाँ से आ गए? बस अभी भिंड से ही तो आते जा रहे हैं ना सीधे, और कहाँ से आए? अब बताओ, ग्वालियर से निकले नहीं? आप फोन लगाओ भाई साहब कहाँ आ गए? बस आ गए भिंड के लगभग है, और ग्वालियर से घर से अभी निकले नहीं और कह रहे हैं कि आ गए। मतलब जे मोबाइल फोन चले तब से और ज्यादा झूठ। अरे 2 रुपए की फायदा हो तुम झूठ बोलो, चलो ठीक है फायदा के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आजकल का आदमी 2 रुपए की फायदा नहीं और खड़े खड़े झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब स्वभाव बन गया झूठ बोलने का। फायदा नुकसान कुछ नहीं, बस आदत में आ गया झूठ बोलना। बिना झूठ के तो हमारी खाने ही नहीं पचेगा। नारद जी कह रहे हैं हमने देखा सब झूठ बोलने वाले हो गए, और क्या देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम्। महाराज पवित्रता बिल्कुल लुप्त हो गई। आज बताओ है पवित्रता कौन? अरे पवित्रता कब रहेगी? जब आदमी रोजाना स्नान करे। वो आजकल की नई युवा पीढ़ी जब अगान पूछ की सर्दी पड़ती है ना, जब कोहरा 8-8 दिन धूप नहीं निकलती, आप देखना नई युवा पीढ़ी पंडित जी 8 दिन हो गए हम नहीं नहाए। क्यों बेटा कब नहाओगे? जब धूप निकलेगी तब। जब 25 दिन आ जाए हम नहीं नहाओगे। बताओ क्रीम पाउडर करके बन ठन के दूल्हा बन के जो घूम रहे, तो बताओ फिर कहोगे पवित्रता? पवित्रता कहाँ बची? और खान पान की पवित्रता तो आप देख ही रहे। लगुन फलदान वाले या बरात वाले और गार्डन में जाएं और भोजन करके गार्डन से बाहर निकलें, फिर फोटो खींचो गार्डन को, मही दोना मही पंतल मही गिलास, ऐसो लगेगा मानो पशु चर के गए। ये हालत हो जाती है आधा घंटे में। बताओ जूता पहने खड़े खड़े, ना हाथ धोए ना आचमन करो और अपने आराम से भोजन चल रहे, ये पवित्रता है। अरे भोजन करने का तरीका क्या होता है? भोजन का तरीका वैसे शास्त्र के अनुसार आसन पे बैठ करके चौकी पटा पे थाली रख करके, क्योंकि अन्नपूर्णा, और भगवान का भोग लगा करके और तब अपना प्रसाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन भोग बताओ कहाँ लगेगा? जूता चप्पल ही ना उतर रहे फिर को भगवान को भोग लग जाए, कहाँ लगो? हाथ धोने की बात छोड़ो, आजकल बरात में लगन में कोई हाथ धोता है? बस में तो उतरे नहीं, ऊपर लड़का वाले ने या लड़की वाले ने भाई साहब भोजन तो सीधे बाप काउंटर पे गिरे, ऐसे गिरे मानो कबू मिलो ही ना भोजन, और 10 मिनट में गार्डन की शक्ल मिटा दे। कहाँ धोए हाथ? एक आदमी नहीं धोता आप देख लेना, लेकिन जब परमात्मा धुलाता है ना, तो 3 साल पहले आपने देखा होगा कोरोना में जो कबू हाथ नहीं धोते वो नल के नीचे खड़े, दो भैया दिन भर धोते कोरोना ना आ जाए। तो जब परमात्मा ऐसे नहीं तो ऐसे बेटा, राजी से नहीं तो कुराजी से। अब बाकाम को पहले ही कर ले तो काय को ऐसी बीमारियां?
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा कि हमने ऐसा देखा सौचम पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो गई। और क्या देखा? दया दानम न विद्यते। महाराज दया नाम की चीज नहीं बची आदमी के अंदर। पशु को पशु से बह नहीं, लेकिन आदमी को आदमी से बह है। खेत खलियान में जाएगा तो दो बंदूक आगे दो बंदूक पीछे। हाँ, आदमी को आदमी से इतना बह। दया नाम की चीज नहीं। दानम महाराज दानी बिल्कुल लुप्त हो गए। अब आप लोग कहोगे पंडित जी दानी तो खूब हैं, बड़े बड़े सदाबत लगे हैं, बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रही हैं। हाँ, लेकिन आजकल दानी कैसे पता है? दानी तो है लेकिन अहंकार मैदान। आपके गांव में भागवत हो चंदा ढार का, पूरे गांव का सम्मति का, और छोटे भाई ने अगर कहीं भागवत में 5100 रुपए दान कर दिए, वो माइक पे बुलवा दिया 5100 रुपए दिए दान में, तो बड़ा भाई अच्छा, छोटे ने 5100, हम 11000 देंगे, जाके बेइज्जती पूरे गांव में करा देंगे, चाहे कर्ज निकालेंगे, लेकिन हम 11 ही देंगे, जाके बेइज्जती तो होगी। अब बताओ तुमने 11 तो दिए दान में, लेकिन क्यों दिए? छोटे भाई की बेइज्जती कराने के लिए, पड़ोसी की बेइज्जती कराने के लिए, पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए दान किया, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। यह अहंकार मैदान वो आजकल ऐसे ही ज्यादा हो रहा है, अहंकार मैदान हो रहा है। यह दान नहीं, यह केवल अहंकार है, दिखावा है। और ऐसे ही दानी बचे हैं। नारद जी कहने लगे कोई दानी नहीं बचा। और क्या देखा? उदरम भरनो जीवा, सारे जीव अपने पेट पूर्ति में लगे, झूठ कपल झूठ कपट बेईमानी छल जैसे भी हो, हमारा पेट भर जाए और पड़ोसी मरे तो मर जाए, बस हमारा पेट भरे। महाराज अपने पेट भरने में लगे हैं। और क्या देखा? कि मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि वाले जीव हो गए, पाखंडा नरता संता, संत पाखंडी हो गए। दिखने में संतों का वेश है लेकिन केवल पाखंड भरा हुआ है। पंडित वेदों को बेचने वाले हो गए। ज्ञान बिक रहा है या कलयुग में, चले जाओ वृंदावन या किसी पंडित के पास, भाई भागवत करानी है 5 लाख 11 लाख 2.5 लाख जो जितने जैसे पंडित जी। हाँ भैया भागवत के लिए 1.5 वर्ष के बाद टाइम है, 1.5 वर्ष तक हम बुकिंग पूरी, 1.5 वर्ष के बाद आपका भागवत होगा और 10 लाख का भैया रसीद कटा लो, 1.5 वर्ष के बाद तुम्हारा भागवत, मतलब भागवत होगा 1.5 वर्ष के बाद और 10 लाख आज ही जमा करो, तब तुम्हारे यहाँ 1.5 वर्ष के बाद आएंगे। ये क्या है? ये वेदों को बेचने वाले पंडित गुरुजन हो गए। हम नहीं कह रहे ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसे गुरु हो गए जब कलयुग में जो ज्ञान को बेच रहे हैं, शास्त्रों को बेच रहे हैं। अब यह तो हो गए वो गुरु। अब आजकल के देख ले, चले जाओ ग्वालियर आगरा दिल्ली इंदौर कहीं भी चले जाओ, बड़ी बड़ी सिटियों में और कॉलेज स्कूल बड़ी बड़ी कोचिंग, हमारा बालक अगर पढ़ने योग्य है, तीव्र बुद्धि होशियार बुद्धि का भाग्य बस निकल गया, वो पढ़ना चाहता है लेकिन हमारी इनकम नहीं कि हम उसे पढ़ा लें, 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख 6 लाख अब बताओ साल की फीस कहां से पढ़ा, इतनी तो पूरी इनकम नहीं है, गरीब आदमी कहां से पढ़ाए? क्योंकि जब कलयुग में विद्या बिक रही है, ज्ञान बिक रहा है, ऐसे गुरु हो गए जो ज्ञान को बेचने वाले हो गए। हम नहीं कह रहे, नारद जी ने ऐसा देखा, कहा कि ऐसा हमने देखा कलयुग में। और क्या देखा? कि तरुणी प्रभुता गे, घर घर में देवियों का बोलबाला, मैयाओं का चलावा हो गया जा कलयुग में। अच्छा मैया, नारद जी सही कह रहे हैं कि झूठ? सही बताओ, आजकल ये पीछे वाले हैं ना, ये तो केवल कमाने की मशीन है, कमाते जाओ और तिजोरी में रखते जाओ, एटीएम मैयन के पर्स में मिले, आज जितनो आवे उतनो खर्च करो, बेटा की शादी आ जाए तो चढ़ाओ पूरा मैये ही खरीद के ले आवे, हारा मेल बने तो सुनार की दुकान पे मैये ही पसंद करे, और अगर कहीं बाजार में प्लॉट खरीदे तो 3 बार प्लॉट की परिक्रमा तो उन्होंने पत्नी श्रीमती नहीं लगा देंगी तो उन्हें प्लॉट पसंद ही नहीं होगा। हाँ पत्नी ने राइट कर दिया वो जे प्लॉट ठीक है, बस दूसरे दिन बेना पक्का, और पत्नी तब तक परिक्रमा नहीं लगाएंगी तब तक हाँ ही नहीं कर सकती।
तो हम नहीं कह रहे मैया, ये नारद जी कह रहे कि ऐसा हमने देखा। कैसा? कि तरुणी प्रभुतागे सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में भैयाओं का बोलबाला, और जब कलयुग में, कलयुग में मैयाओं का बोलबाला चलावा हो गया। घर घर देख ले और क्या हो गया, क्या देखा कि स्याल को बुद्धदायक साले लोग सलाहकार हो गए। जब कलयुग में अन्य त्रेता में, सत्युग में, द्वापर में चाचा, ताऊ, मान, भानेज, फूफा, इनकी सलाह ली जाती। अब जा कलयुग में सब बैठो एक कोने में, अब जीजा साले में जो सलाह मशोरा सील ठुक गई, कोई हिलाने डुलाने वालों नहीं, कोई होगा। हाँ, स्याल को बुद्धदायक, घर घर में साले लोग सलाहकार हो गए। और वैसे होना नहीं चाहिए, दीवालय बिगारे आरो और घर बिगारे सारो। जहां आरो अलवारी वहां एक ईंट, और वही कमजोर दीवाल चोर दिन में देख जाएंगे, रात में ईंट निकाल के गोविंदा नमो नमः। और घर में सारे की मालिकी देख ले, सगुनी मामा की मालिकी भाई चौपट करा दो। तो ये कहावत है, नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा हमने देखा स्याल को बुद्धदायक। और क्या देखा कि कन्या विक्रणो लोभा, ऐसे जब कलयुग में जीव हो गए जो कन्याओं का विक्रय लोभ के कारण अपनी कन्याओं को बेचने वाले हो गए, विक्रय करने वाले। आप देख लो काफी जगह अखबार में घटना आती है कि माता पिता ने अपनी बेटी को बेच दिया 10 लाख में, 5 लाख में, काफी घटना निकल गई। क्योंकि जो कलयुग है इतने लालची, इतने लोभी कि अपनी बेटी का भी विक्रय करने वाले जीव हो गए। और क्या देखा कि दंपति नांच कलकनम, नारद जी कह रहे हैं कि हमने एक दृश्य और देखा, क्या कि पति पत्नी में घर घर में कलेश मचा, प्रेम नहीं है। अब बताओ नारद जी सत्य कह रहे हैं कि झूठी, मैया सही बताओ, कलेश मचाए कि नहीं? आजकल ऐसे पति पति पत्नी कोई हो जो हाथ उठा के कह दे कि हमें 1.5 महीना से झगड़ा ना भाओ, बताओ। अरे 1.5 महीना तो छोड़ो, 24 घंटा में 3 बार झपट होगी, न्याय न्याय चाहे कितने भोले हो तो होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये कलयुग का, नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग में हमने देखा घर घर में पत पत्नी में कलेश मचाए, दंपति नांच कलकनम, एक दूसरे से लड़ने में घुर्राने में लगे हैं। महाराज प्रेम नहीं दिखा किसी घर में, और वास्तव में आजकल प्रेम है नहीं। ऐसे नारद जी कि न योगी नैव सिद्धो वा, न ज्ञानी सत्क्रियो नर, ना कहीं योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाले हैं, लेकिन इसमें भैया दोष किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि दोष इसलिए नहीं क्योंकि कलयुग रूपी अग्नि जल रही है, और कलयुग रूपी अग्नि में सारे साधन जल करके भस्म हो गए, और यह कलयुग का दोष है। कलयुग के कारण यह व्यवस्था अस्त व्यस्त सारी हो चुकी है, यह सब कलयुग का दोष है, ना हमारा ना आपका। नारद जी कहने लगे एक दृश्य हमने और देखा, क्या कि अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजातया कामिन्या केश सोलिन्या। नारद जी ने कहा मैया हमने एक दृश्य और देखा जब पृथ्वी पे कि भैया न मैया, अब समझ में नहीं आते कि जो भैया है कि मैया, एक जैसा वेशभूषा, पहनावा एक जैसा, चाल चलन एक जैसा, क्यों मैया? नारद जी सत्य कह रहे हैं, आजकल समझ में आता है कि नहीं? अब मैया कहेंगे पंडजी आ तो राय जिवेटी है मैया और जिवेटे पीछे भैया, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग समझ में आ रहा है। और पुणे यहाँ बैठे ना, यहाँ बहुत अच्छा है, एमपी यूपी राजस्थान और भारत भूमि है मानो बहुत अच्छा है, लेकिन विदेशों में चले जाओ, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, और विदेशों में जाके देखो आप पहचान नहीं पाओगे जी मैया है कि भैया है। टाई सूट बेल्ट एक जैसा पहनावा, और जी चोटी ओटी सब खत्म एक जैसे, हाँ बाल। और अपने यहां भी बड़ी बड़ी सिटियों में बॉम्बे कलकत्ता यहाँ जाओगे तो आपको ऐसा दृश्य मिल जाएगा, समझ नहीं पाओगे जी मैया है कि भैया है। अपने यहां भी कहीं कहीं बड़ी सिटियों में यह दृश्य मिलेगा। नारद जी के वास्तव में सही बात है। देखो एक कोई पंडित जी रहे, पंडित जी 85 साल के बूढ़े पंडित जी,
और बॉम्बे जैसी सिटी में कहीं शादी पढ़ने गए, मंच पे पहुंचे गार्डन में, जहां बच्चा बच्ची बरमाला लेकर के मंच पे खड़े, बरमाला का समय था, बरमाला पहनी थी, और पंडित जी भी पहुंच गए। अब पंडित जी कहूं तो दूल्हा देखे, कहूं दुल्हन देखे, कहूं दूल्हा देखे दुल्हन देखे, और घर वाले कहे पंडित जी जल्दी करा माला पहनवा, शुरू करो बरमाला। अपन घर वाले कहे शुरू करो पंडित जी दूल्हा देखे दुल्हन देखे दूल्हा देखे दुल्हन, अब शुरू ना करे। इतने में सामने से कोई सज्जन, भाई साहब भाई साहब। हाँ पंडित जी। अरे भाई साहब ने हमारी थोड़ी मदद कर दी कि कहा कि जे दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े हैं एक जैसी इनकी वेशभूषा पहनावा, समझ में नहीं आ रहे कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है, आपने कहा हमें इतनो बता दे जो हम दुल्हन कौन सी और दूल्हा कौन सो, सो हम बरमाला पहनवा दें। एकदम वे भाई साहब खड़े के बोले पंडित जी आप कुछ नहीं जानते। क्यों क्यों नहीं जानते? अरे पंडित जी आपको हम भाई साहब दिखाएंगे। पंडित जी ने कहा भाई साहब नहीं है तो कौन हो? कहा कि हम भाई साहब नहीं है, हमें दुल्हन की मम्मी। अब मम्मी ऐसी वेशभूषा में भाई साहब सी लग रही है। और वास्तव में बड़ी बड़ी सिटियों में यही दशा मिलेगी, आप पहचान नहीं पाओगे। तो नारद जी कह रहे हैं ऐसा हमने देखा, और ऐसा देखते देखते हम कहां पहुंचे? वृंदावन हम पहुंचे। एकाद तरुणी तत्र, हम वृंदावन पहुंचे यमुना के किनारे, और यमुना के किनारे हमने क्या देखा? एक तरुण देवी 16 वर्ष की अवस्था है, खिन्न मन दुखी मन होकर के नेत्रों से आंसू बहाते हुए और दसों दिशाओं में निहार रही है कि हमारा कोई रक्षक हमारा कोई सहायता करने वाला आ जाए। हमने उस देवी को देख करके उसके पास जाना चाहा, दो कदम आगे बढ़े, फिर मन में विचार आया नारद जी क्या कर रहे हो, ये देवियों के चक्कर मत पड़ो, एक मिनट में रोती हैं वो एक मिनट में हंसती हैं, तुम्हें क्या मतलब रो में चाहे गांव में, क्यों जा रहे हो उनके पास? हम रुक गए, लेकिन उस तरुण देवी 16 वर्ष की युवती उसने हमें देख लिया और देख करके आवाज लगाई कि भो भो साधो छड़न तिष्ठा, हे साधो छड़म तिष्ठा, छड़ मात्र के लिए रुक जाओ, कि भो भो साधो छड़न तिष्ठा, मचिंतामपि नाशया और दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहरम परम, मेरी चिंता को दूर करो, मचिंतामपि नाशया, आप जैसे संत के दर्शन आज हमारा, हमें विश्वास है कि परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी अब मोह भाव भरोसा हनुमंता और बिन हर कृपा मिले नहीं संसार, तब तक संत के दर्शन नहीं होते, और आप जैसे संत के दर्शन हो गए तो हमें लगता है परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है, बस आप हमारी चिंता को दूर करें। नारद जी बोले आप हैं कौन? के काश तुम काम बहुचैमा नार्या का पद्मलोचना बदा देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। हे देवी आप कौन हैं? यह तुम्हारे पास में जो वृद्ध पुरुष लेटे हैं 100-100 वर्ष की अवस्था ये कौन लगते हैं? सैकड़ों देवी तुम्हारी सेवा में चरण दबा रही हैं, पंखा जल रही हैं, सिर दबा रही हैं, ये कौन लगती हैं? और तुम्हारा नाम क्या है, क्यों रो रही हो? तब उस तरुण देवी ने अपना परिचय दिया। हे नारद जी सुनो कि अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ और ज्ञान वैराग्य ना मानौ काल योगेन जर्जरो। हे नारद जी अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। कहा ये भक्ति महारानी आप? क्या? और तुम्हारे बगल में 100-100 वर्ष के वृद्ध पुरुष कौन है? ज्ञान वैराग्य ना मानो। हे नारद जी यह ज्ञान वैराग्य हमारे दोनों बेटा है। नारद जी ने कहा सैकड़ों देवी जो तुम्हारे पैर दबा रही हैं, सिर दबा रही हैं, पंखा जल रही हैं, यह देवी कौन है? तो भक्ति महारानी कहने लगी कि गंगा द्या सरतश्यम मसेवार्थ समागता, गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सरस्वती नर्मदा बड़ी बड़ी पवित्र पवित्र नदियां यह देवी रूप धारण करके और हमारी सेवा में है। एकदम नारद जी के पसीना छूट गो, धक्का लगा कि स्वयं भक्ति महारानी
ज्ञान बेटा, ज्ञान वैराग्य जिनके बेटा, और गंगा यमुना त्रिवेणी सरस्वती बड़ी बड़ी पवित्र नदियां उनके चरण दबा में, और फिर भी भक्ति महारानी तुम रो रही हो। रोने का कारण, भक्ति महारानी कहने लगी नारद जी सुनो, हे नारद जी मेरा जन्म द्रवण देश में हुआ, भक्ति का जन्म द्रवण देश में, कि उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतांगता। द्रवण देश में हमारा जन्म हुआ, वृद्धिम कर्णाटके, कर्नाटक में हम बड़ी हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमें सम्मान मिला, और गुर्जरे जीर्णतांगता, और गुजरात में हमने पांव रखा तो बुढ़ापे ने हमें घेर लिया, जर्जर शरीर हो गया, जीर्णतांगता हमारा और हमारे ज्ञान वैराग्य पुत्र दोनों बेटाओं का बुढ़ापा आ गया। हमने गुजरात को छोड़ दिया, अब हमने उत्तर प्रदेश पावन नगरी वृंदावन, हमने सोचा भैया इस गुजरात को त्याग दो और वृंदावन में चलो, जिस वृंदावन में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और पावन लीला भगवान ने की है, पवित्र नगरी है। बस हमने गुजरात को त्याग करके उत्तर प्रदेश उस वृंदावन में पांव रखा, यमुना के किनारे पहुंची, एकदम वृंदावन जाते हमारा धन्य बुढ़ापा छूट गया, कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी, एकदम तरुण अवस्था होगी, बुढ़ापा छूट गया। लेकिन नारद जी हमारा तो बुढ़ापा छूट गया वृंदावन में, लेकिन हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य का यहाँ कोई ग्राहक नहीं, और यहाँ इनका बुढ़ापा नहीं छूटा, जैसे गुजरात में वृद्धावस्था में पड़े और वैसे ही यहाँ वृंदावन में जर्जर शरीर और वृद्धावस्था में पड़े हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं। हे नारद जी यही हमारे रोने का कारण है। अरे होना तो यह चाहिए कि माता वृद्ध और पुत्र जवान, लेकिन उल्टा हो रहा है, माँ की उम्र 16 वर्ष जवान और बेटाओं की उम्र 100-100 वर्ष वृद्ध, अचेत अवस्था में पड़े हैं, इसी कारण से मैं रो रही हूँ नारद जी। एकदम नारद जी कहने लगे भक्ति महारानी रो मत, घबराओ मत। अरे भक्ति महारानी आप भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए, कि वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। आप भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान कीजिए। अरे भगवान कृष्ण गए थोड़ी हैं कहीं, जिन भगवान कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण बढ़ाया, वस्त्र बढ़ाया, द्रौपदी की सहायता की, जिन भगवान कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से गोपी ग्वाल वालों की रक्षा की, वह कहीं नहीं गए। बस आप उनके चरणों का ध्यान कीजिए, वही तुम्हारा ही रक्षा करेंगे और तुम्हारा सब भला होगा। अरे भक्ति महारानी आप तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हो, हाँ तभी तो देखो भगवान ने ज्ञान वैराग्य आपको बेटा रूप में दिए हैं और मुक्ति आपकी दासी रूप में। आप इतनी भगवान को प्रिय हो कि नीच से नीच प्राणी हो, पापी से पापी प्राणी हो, अगर उसके हृदय में अगर भक्ति बैठ जाए तो भगवान उस नीच के घर में और पापी के घर में भी पहुंच जाते हैं दर्शन देने। जहां भक्ति वहीं भगवान का वास होता है। हे भक्ति महारानी आप उन भगवान के चरणों का ध्यान करो। ऐसे आज भक्ति महारानी ध्यान करने लगी, उसी समय नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास गए और जाकर के वेद मंत्र सुनाने लगे, गीता पाठ सुनाने लगे, कि वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मोहर मोह। ज्ञान वैराग्य के कान में वेद मंत्र गीता पाठ, और वेद मंत्र गीता पाठ सुनाने में थोड़े खड़े भए और जमाई लेते हुए और धड़ाम सीधे फिर गिर पड़े। अब नारद जी के पसीना छूट गए, भैया जब वेद मंत्र और गीता पाठ इनसे जब इनका बुढ़ापा अचेत अवस्था नहीं हटी तो अब दूसरा उपाय कौन हो सकता है, क्योंकि वेद से बढ़कर और गीता से बढ़कर जब संसार में कोई उपाय नहीं हमारी समझ में आता। एकदम नारद जी माथा ठन्नाया,
और तुरंत उन्होंने भक्ति महारानी से कहा, हे भक्ति महारानी, आप थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करना और हम जा रहे हैं और कोई उपाय ढूंढ करके जल्दी लौटेंगे तुम्हारे ज्ञान वैराग्य बेटाओं को जगाने के लिए। अब नारद जी भागे, आज सनकादिक ऋषि मिल गए। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, नारद जी कहां जा रहे हो जल्दी जल्दी, क्यों इतने दुखी हो, खिन्न मन हो, व्याकुलता के साथ दौड़ रहे हो? तब नारद जी ने कहा, यह कारण है हमारे दुख का और व्याकुलता का, आप ही बताओ महाराज सनकादिक ऋषि हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे छूटे, बताओ हम क्या उपाय करें। सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी उपाय तो पहले से ही विद्यमान है, कि कौन सा उपाय? कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ और भागवत श्रवण करते ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा छूट जाएगा। एकदम नारद जी का माथा फिर, कैसी बातें करते हो, जब हमने वेद मंत्र सुना दिए तो भागवत कहां बचा? अरे वेदों का सार भागवत है, वेदों से निकला हुआ भागवत है, जब हमने वेद ही सुना दिए तो भागवत कहां बचा? सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी बिल्कुल तुमने सही कहा, वेदों से निकला हुआ भागवत है, वेदों का सार ही भागवत है, लेकिन जो वेद मंत्र भागवत सुनाने में जो फल है वह वेद मंत्र सुनाने में नहीं मिल सकता। कैसे? आम के पेड़ में, अब नारद जी को समझा रहे हैं, सुनो नारद जी, एक आम का पेड़ है और आम के पेड़ में आम का फल पका हुआ लगा है और किसी व्यक्ति ने पेड़ से आम फल को तोड़ा और तोड़ करके जो खाया, वाह इतना मीठा रस, यह खट्टा मीठा रस आम के फल में कहां से आयो? अब उसने विचार लगाया कि जब पेड़ में फल लगा तो जब पेड़ के अंदर से आम आमरस जब पेड़ के अंदर से और फल में आया है, इसका मतलब जब पूरे पेड़ में आमरस है। अब उसने आम फल को हटाया, हटा, जब पूरे पेड़ में आमरस है तो फल क्यों खाएं जब पेड़ की डाली साका चबाएं? और आम फल को हटा करके डाली साका चबाने लगो तो बताओ आमरस मिलेगा? और जबकि आम के पेड़ में रस है, क्योंकि आम के पेड़ से ही रस आम फल में एकत्रित हुआ है, पेड़ से ही आया, लेकिन डाली शाखा चबाने पे 3200 टूट जाएंगे लेकिन आम रस नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? आम के पेड़ से आम रस आम फल में एकत्रित होगा और आम फल को हम खाएंगे तब आम रस प्राप्त होगा। किसी ने घी खाया, वाह इतना सुंदर घी, बढ़िया घी में पूड़ी सेक रही, वाह यह घी आया कहां से, जा घी में पूड़ी सेक रहे हो आप, इतना सुंदर घी। कहा कि भैया दूध से निकला, अच्छा दूध से, हाँ हाँ तो भैया दूध में ही पूरी सेक लो। अब बताओ दूध से घी निकला और घी में पूरी सेक, और कोई व्यक्ति कहे कि दूध से निकला तो भैया दूध में सेक लो पूरी, सेक जाएंगे? नहीं। कोई व्यक्ति कहे कि जब दूध से घी निकला तो भैया घी का स्वाद दूध पी के मिल जाए, मिल सकता, और जबकि दूध में घी है लेकिन दूध पीकर घी का स्वाद नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? दूध गर्म करो, दही जमाओ, दही मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर तपा और तब कहीं घी का स्वाद प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति ने मिश्री खाई, वाह इतनी मीठी मिश्री, शक्कर कहां से आई भैया? कहां गन्ने से, तो भैया मिश्री हटाओ, गन्ने ही ले आओ। अब उसने गन्ना चबाया लेकिन मिश्री का स्वाद नहीं आया और जबकि गन्ने से ही मिश्री बनी। आ गई बात समझ में? एकदम कहने लगे, सुनो वेद रूपी वृक्ष, जैसे आम के वृक्ष में आम फल लगा है और आम फल में आम रस भरा हुआ है, ऐसे ही वेद रूपी वृक्ष है और वेद रूपी वृक्ष में भागवत रूपी फल, और जब भागवत रूपी फल में और कथा रूपी रस, अरे आम के फल में तो गुठली और छिलका भी है लेकिन भागवत रूपी फल में ना गुठली है ना छिलका है, केवल कथा रस है, कथा रस है, पीते जाओ पीते जाओ। एक और बात आपने देखा होगा, किसी पेड़ में आम का फल लगा हो या अमरूद का फल हो या बेर फल हो, कोई भी फल हो, और सुगा उस फल में अपनी चोंच लगा दे,
और सुआ की चोंच लगे हुए फल को आप तोड़ के खाना मीठा ही निकलता है। कभी भी खा लेना बिना चखे, मीठा ही होगा जिसमें सुआ चोंच लगा जाए, मुंह लगा जाए। अब बताओ साधारण सुआ और साधारण फल में अपना मुंह लगाने पर, कुतर जाने पर और फल मीठा हो जाता है, इसका कारण क्या है? या तो सुआ सुआ को इतनी परख है कि उसी फल में चोंच लगाएगा जो फल मीठा होगा, या सुआ की चोंच इतनी मीठी है कि जिस फल में लगा दे वो फल मीठा हो जाता है। जब साधारण सुआ और साधारण फल में अपना मुंह लगाने पर फल मीठा बना देता है तो इस भागवत रूपी फल में और सुखदेव जैसे सुआ और जिन्होंने अपने मुंह से राजा परीक्षित को जब भागवत सुनाई तो ये भागवत और फल मीठा हो गया, रसमय हो गया। बोल भागवत भगवान की जय हो। तब कहीं नारद जी की समझ में आया कि वास्तव में आप सत्य कह रहे हो, वेद से बढ़कर भागवत है। महाराज आपसे बढ़कर वक्ता और कहां कौन मिलेगा, आप ही सुनाओ। कहा ठीक है, सनकादिक ऋषि वक्ता बने, गंगा के किनारे बढ़िया मंच बनाई, मंच के ऊपर चारों वक्ता सनकादिक ऋषि विराजमान हो गए कथा सुनाने को। ढिंडोरा पिट गया चारों तरफ, हु अल्लाह भैया सनकादिक ऋषि भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। बड़े बड़े संत मुनि महात्मा भृगु वशिष्ठ चमन गौतम पाराशर व्यास अपने अपने शिष्य मंडली लेकर और हजारों हजारों की भीड़ श्रोतागण गंगा के किनारे आ गए। भक्ति महारानी का ध्यान किया, आ जाओ भक्ति मैया अपने बेटा ज्ञान वैराग्य को लेकर कथा श्रवण करो। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य दोनों बेटाओं को लेकर आई। सनकादिक ऋषि ने दो आसन दे दिए, आओ ज्ञान आसन पे बैठो कथा सुनो, आओ वैराग्य इस आसन पे बैठ के तुम कथा सुनो। अब आदमी तीन, ज्ञान वैराग्य भक्ति और आसन दो, दो आसनों पे ज्ञान वैराग्य दोनों बैठ गए। अब भक्ति महारानी खड़ी, भक्ति महारानी ने कहा सनकादिक ऋषियो, हाँ हाँ आपने हमारे लिए कोई आसन नहीं, हमारे बेटाओं को आसन दे दिया, हम कहाँ बैठे कहाँ कथा सुने, कोई आसन तो दो। सनकादिक ऋषि बोले भक्ति महारानी आपको आसन की जरूरत नहीं। तो फिर कहा कि जितने जा पंडाल में श्रोतागण बैठे हैं सब श्रोताओं के हृदय में विराजमान है जाओ, और भक्ति महारानी सब श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई। ऐसे आज भक्ति कथा प्रारंभ हुई। सात दिन हुए, सातवें दिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा छूट गया, एकदम जर्जर शरीर छूट गया, तरुण अवस्था हो गई। अपने पुत्रों को तरुण अवस्था देख करके भक्ति महारानी तुरंत नाचने लगी, नृत्य करते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा इनकी सब जग जाने। राधा रानी है महारानी, महिमा इनकी सब जग जाने। ओ राधा रानी है महारानी, महिमा इनकी सब जग जाने। ओ महिमा इनकी सब जग जाने। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो।
चरणों में प्रीत किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, ओ मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको भक्ति। ऐसी युगल छवि में बल जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो, ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे है भक्ति महारानी, 88,000 ऋषि कहने लगे गुरुदेव कि हाँ महाराज आपने बड़ा गुरुदेव सुंदर यह भक्ति ज्ञान वैराग्य उपाख्यान श्रवण कराया, हे गुरुदेव यह भागवत किन किन पापियों को तारने वाली है। तब सूजी महाराज ने कहा सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता बिमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलस्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानव हमेशा पाप कर्म में लगा है, कुछ जान करके कुछ अनजान में, क्रोधाग्नि दग्धा क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा है, यह मानव क्रोधी है, कामी है, कुटिल है, लालची है, दुराचारी है, पापी है, अधर्मी है, ऐसे हजारों प्रकार के पाप करने वाला जीव अगर मन लगाकर की कथा सुन ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, और 7 दिन में सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और जीव पवित्र हो जाता है, अंत में भगवान के धाम चला जाता है। ऐसी है भागवत। सूजी महाराज ने कहा भागवत श्रवण करने से छोटे छोटे हजारों प्रकार के पाप सब जलकर पवित्र हो जाता है, जीव सारे पाप जल जाते हैं,
लेकिन पाप संसार में देखो पाप तो हजारों प्रकार के होते हैं, लेकिन पांच महापाप होते हैं बड़े, छोटे छोटे हजारों पाप, लेकिन पांच बड़े पाप होते महा पाप। वह कौन कौन से पाप हैं? के पंचोग्र पापा, छल छद्म कारण, अक्रूरा पिशाचा इव निर्दया, ब्रह्म सुपुष्टा विवचार कारण, असप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये पांच महापाप हैं संसार में। कौन कौन? सबसे पहले है मदरा पान करना। मदरा जानते हो? मदरा वही मदरा जो देसी विदेशी ठेका हर नुक्कड़ पे। हाँ, सरकार हर साल नए ठेका मान्यता प्राप्त, न जाने कितने ठेका मान्यता हाल तुरंत। अगर हॉस्पिटल की मान्यता मांगने जाओगे तो 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे और काउ चीज की, लेकिन ठेका तो हर साल अपने आप। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को उसी में मिलता है। कोरोना काल में किराना की दुकान, राशन की दुकान बंद है गई, कोरोना फैल जाएगा, लेकिन ठेका बंद नहीं हुए, बराबर लाइन लगी रही। तो यह मदरा पान करना, यह पांच महापाप, उनमें पहला नंबर वही जो बोतल पे बोतल घर घर में झूम रही, ता देखो ता गुरु महाराज ये त्या चेला बड़े परेशान है, समझाओ जाओ दिन भर। अब बताओ ये मदरा पान जो कर रहे हैं ना, मन में सोच रहे होंगे हम अच्छा काम कर रहे हैं। बेटा ये बड़े पाप, पांच महापाप, उनमें पहला नंबर, सबसे पहला नंबर मदरा पान करना। दूसरा है ब्रह्म हत्या, तीसरा है सुवर्ण की चोरी, चोरी हजारों प्रकार की, सब चोरी पाप है, लेकिन सोने की चोरी महापाप है, बड़े पाप, हाँ महापाप। और ये मैयाओं को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह पंचन में और चार जगह की मैया एकत्रित भई, सो काऊ की चैन, काऊ की अंगूठी, काऊ को मंगल सूत्र तुरंत गाय, अभी तो जही रखो, कहाँ चलोगे पता ना। और तुरंत उन्होंने गोविंदा नमो नमो मैया, सोने की चोरी महापाप, चोरे में पड़ा रहे बिल्कुल हाथ मत लगाना, ये महापाप है। और इसके बाद है पर स्त्री गमन, चौथा, पांचवा है विश्वासघात, जो आजकल सबसे ज्यादा जितनी घटना आ रही है सब विश्वास में घटना घटती है। भैया उन्होंने ऐसा कहा, हम विश्वास में आ गए, हमारे साथ घटना हो गई। अब किसी को विश्वास दे करके और घटना करना, ये महापाप है, बड़े पापों में। धोखा देना महापाप है, विश्वासघात करना महापाप है, बड़े पापों में आता है वो। आजकल यही सबसे ज्यादा चल रहा है, ना देखो ऐसे है महापाप है पांच। और सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, अगर कोई जीव इन पांच महापापों को करने वाला, एक दो नहीं पांच पूरे करने वाला, और मन लगाकर सात दिन कहीं भागवत की कथा सुन ले, तो सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति, और जीव पवित्र हो जाता है, अंत में भगवान के धाम चला जाता है। ऐसी है भागवत है। 88,000 ऋषि बोले, गुरुदेव ऐसी कोई उदाहरण है जिसने जीवन में महापाप किए हो, एक नहीं पांच, और अंत में वह भागवत श्रवण करके नरक में नहीं भगवान के धाम गया हो, ऐसी कोई कथा हो, उदाहरण हो तो आप हमें सुना। तब सूत जी महाराज कहते, सुनो अब हम तुम्हें ऐसी ही एक कथा सुना रहे हैं जिसने जीवन में पाप ही पाप किए, वो अंत में मरने के बाद भागवत की कथा सुनी और भगवान के धाम चला गया, मोक्ष हो गया। कहा गुरुदेव वो कौन सी कथा है, जल्दी सुनाओ। कहा सुनो कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूतम उत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के पूर्वी तट पर एक अनुपम नाम का नगर है, और जिस अनुपम नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण रहता है। यह आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा धर्मज्ञ और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण है, और बड़ा शांत स्वभाव रहने वाला,
इस ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। ब्राह्मण आधी उम्र हो गई, बुढ़ापा आने लगा, 50 वर्ष की उम्र हो गई। पत्नी के गर्भ से ना बेटा हुआ और ना बेटी हुई। बड़े बड़े विद्वान संत मुनि महात्माओं के पास जाए, हे महाराज कोई उपाय बताओ, यतन जतन करो जिससे हमारा वंश चल जाए। बड़े बड़े संत मुनि महात्मा पंडित ज्ञानी ध्यानी जो यज्ञ अनुष्ठान यतन जतन बतावे उसी को ब्राह्मण करे। और यतन जतन करते करते धर्मानुष्ठान धनार्थम आधे धन नष्ट कर दिया, आधा धन, लेकिन इसके कोई संतान नहीं हुई। अब यह संतान न होने के कारण भी फिर भी इसने मन में शांत स्वभाव और सोच लिया, भैया संतान हो जाती तो भगवान की कृपा और नहीं हुई तो भगवान की कृपा, शांत रहने लगा। अब ब्राह्मण तो शांत स्वभाव, लेकिन आदमी कब तक शांत रह सकता है? कैसा भी शील आदमी हो, शांत स्वभाव रहने वाला हो, लेकिन कब तक रहेगा? जब यह ब्राह्मण घर से बाहर निकले तो गांव वाले आस पड़ोसी उस ब्राह्मण को देख देख करके, भैया देखो देखो ये ब्राह्मण को कैसा पापी है, देखो इसकी पत्नी के गर्भ से ना तो बेटा हुआ और ना बेटी हुई, ये निसंतान है, संतानहीन है। भैया ऐसे संतानहीन इस पापी का मुख देखने का धर्म नहीं, ये पापी है। अरे कहां तक इस पापों की कहे, इसने गौ पाली, उस गौ के गर्भ से भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। इसने वृक्ष लगाए, उन वृक्षों में कोई फल नहीं आता। भैया यह निसंतान है, पापी है। अब गांव वालों के व्यंग भरे वचन सुन सुन के ब्राह्मण शांत स्वभाव लेकिन आज रो पड़ा। और सही बात है, चंदन की लकड़ी कितनी शीतल होती है, और उस शीतल चंदन की लकड़ी को भी अगर आपस में अधिक रगड़ किया जाए तो चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, और अनल प्रगट चंदन से, हाँ उससे भी अग्नि प्रकट हो जाए। अब ब्राह्मण बड़ा शांत स्वभाव, लेकिन व्यंग भरे वचन सुन सुन के इतना दुखी हो गया कि ब्राह्मण रो पड़ा और मन में विचार करने लगा, हे विधाता, हे परमात्मा, एक बेटा ना सही, एक बेटी दे देता तो यह गांव वालों के व्यंग भरे वचन हमको ना सुनने पड़ते। अब हम जीना नहीं चाहते, ऐसे निसंतान जीवन से तो हम मर जाए वही अच्छा है। आज ब्राह्मण इतना दुखी हो गया कि घर छोड़ करके जंगल के लिए मरने के लिए चला। एक सरोवर में जैसे छलांग लगाई, पीछे सन्यासी महात्मा ने एकदम आवाज लगाई, ठहरो, कि कथम रोदस विप्रतम काते चिंता बलियसी और बदा तुम सत्वरम मय्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ठहरो हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो, कथम रोदस विप्रतम, अपने रोने का कारण बताओ, तुम्हें कौन सा दुख है, क्यों रो रहे हो, हमें बताओ क्यों मरना चाहते हो। एकदम ब्राह्मण देव कहने लगे, महात्मा जी क्या बतावे, हमारे ना तो बेटा है और ना बेटी है, हम निसंतान हैं, हमने एक गौ पाली वह भी बांझ हो गई, हम वृक्ष लगावे तो वृक्षों में फल नहीं आते। हे महात्मा जी, बिना संतान के अब हम जीना नहीं चाहते, आज हम मरने के लिए, जीवन अंत करने के लिए आए हैं। कि धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा बिना धिग धनम चान पत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। हे महात्मा जी, हमने विचार किया है कि संतानहीन घर को धिक्कार है,
संतानहीन जीवन को धिक्कार है और संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। हे महात्मा जी, जिस कुल में संतान नहीं वह कुल बेकार है। बस अब हम जीना नहीं चाहते, आज हम बिना संतान के अब हम जीवन का अंत कर देंगे, मरने के लिए आया। महात्मा जी ने कहा, बेटा कौन कहता है कि संतान से सुख मिलता है? अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र, बताओ सुख मिला? राजा अंग अपने पुत्र से इतने दुखी हो गए कि राजपाट छोड़ के महल त्याग के जंगल में मरने को जाना पड़ा। हमारी बात मानो ब्राह्मण, संतान से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। संतान जितना देगी उतना दुख देगी और सुख नहीं दे सकती, और फिर भी तुम संतान के लिए रो रहे हो। हे ब्राह्मण देव, अगर सच्चा सुख चाहते हो तो भगवान के भजन में लग जाओ, यहीं परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की भक्ति में, और तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा। संतान का मोह छोड़ दो। ब्राह्मण कहने लगा रो करके, महात्मा जी आप जो उपदेश दे रहे हो हम सब जानते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम वलिष्ठा कर्मणो गति और विवेकंतो समासाध्या त्यजा संसार वाश। हे महात्मा जी, आपका दिया हुआ ज्ञान, यह ज्ञान हम सब जानते हैं, लेकिन आपका ज्ञान हमारे हृदय में ठहर नहीं रहा। या तो आप हमको संतान दें, बेटा दें, या हम आज अपने प्राणों का अंत कर देंगे। अब महात्मा जी धर्म संकट में पड़ गए, भैया यह ब्राह्मण तो मानता ही नहीं, बड़ा अटीला है। एकदम महात्मा जी ने कहा, ठहरो, हम तुम्हारी भाग्य रेखा को पढ़ें, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है या नहीं है। और महात्मा जी ने नेत्र बंद करके जो मस्तक रेखा को, भाग्य रेखा को पढ़ा, और पढ़ करके क्या उत्तर दिया कि सुनो ब्राह्मण, कि शरणो विभ्रमया तेत्या प्रारब्धम तुभलोकितम और सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव बचा। हे ब्राह्मण, अभी अभी हमने तुम्हारी मस्तक रेखा को पढ़ा है, एक जन्म की कौन कहे, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बच नहीं बचा, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र सुख नहीं है। एकदम ब्राह्मण ने जो सुना सब पछाड़ खा करके धड़ाम सीधे गिर पड़ा और रोने लगा, महात्मा जी मैं तो एक ही जन्म के लिए दुखी था संतान न होने के कारण, और आपने तो 7 जन्मों के लिए रुला दिया। बस अब तो मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहता। और जो छलांग लगाई, महात्मा जी ने डर करके हाथ पकड़ लिया, दौड़ दौड़ ठहरो। अब महात्मा जी डर गए कि ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्महत्या में ही लग जाएगा। ठहरो भैया ब्राह्मण, हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम समझ ही नहीं रहे। अब तुम अपनी हट पे अड़े हो तो सुनो, ये आत्महत्या मत करो। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो है नहीं, लेकिन हम तुमको फल दे रहे हैं, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और 9 महीना बाद सुंदर बेटा का जन्म होगा। कुछ नियम बताए, इन नियमों का तुम्हारी पत्नी पालन करे। और महात्मा जी फल दे करके और चले गए। अब ब्राह्मण फल लेके आया, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया और धुंधली को नियम बता दिए, यह महात्मा जी का दिया हुआ फल खाओ प्रिय, महात्मा जी के नियम अपनाना, 9 महीना पालन करना। और महात्मा जी ने कहा है 9 महीने बाद एक बेटा होगा, हमारा वंश चल जाएगा। और नियम समझा करके ब्राह्मण देव भी चले गए। अब देखना, ब्राह्मणी धुंधली अपने हाथों में फल लेके और आंगन में बैठी है और महात्मा जी के नियम याद कर रही है। महात्मा जी का पहला नियम कि सत्यम शौचम दयादान मेघवंतं तु भोजनम वर्षावद स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। सत्यम, महात्मा जी ने कहा है कि जा दिन से तुम्हारी पत्नी फल खावे, 9 महीना सत्य बोले, एकदम पसीना छूट गो ब्राह्मणी के बारे। महात्मा जी आज तक हम जीवन में सत्य बोली नहीं, तो अब हम 9 महीना सत्य कैसे बोलेंगे? अरे पड़ोसी कोई वस्तु मांगने आते, बहन जी ये वस्तु दे दो, तो हम झूठ बोलती हैं, भैया हमारे घर कहाँ है, कब की टूट फूट गई, अब नहीं है। और तब कहीं घर की वस्तुओं की रखवाली कर पाती हैं। और अगर 9 महीना सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गई तो ये पड़ोसी एक चीज नहीं छोड़ेंगे, सब मांग के ले जाएंगे। हम कैसे झूठ
सत्य बोल सकती है 9 महीना। और दूसरा नियम सत्यम सोचम, 9 महीना पवित्रता रखनी है। अरे महात्मा जी, पवित्रता तो तब रहेगी ना जब रोजाना स्नान करे। और हम तो 15 दिन में एक ही दिन नहाती है, ऐसी सर्दी में मरना है क्या जो रोज नहाए? हमसे नहीं होगा यह नियम। और तीसरा नियम दया रखनी जीव मात्र के ऊपर। 9 महीना तक महात्मा जी, आज तक हमने दया की नहीं, अब हम दया कैसे कर सकते हैं? दानम, 9 महीना दान देना है। पसीना छूट गो सुनते ही बारे महात्मा जी बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। आप क्या कह रहे हो कि 9 महीना दान देना? आजकल दान देने के लिए चौराहे पे खड़े है जा, सारा धन लुट जाएगा, लेकिन दान लेने वालों की लान नहीं टूटेगी। फिर हम क्या भूखो मरेंगे? और महात्मा जी, आपका 5वां नियम है कि एक समय भोजन करना। वाह, 12-12 फुलका दिन में 3 बार पाने वाली, आप कहते एक समय भोजन करें? और तुम्हारी बातों में अगर हम आ गए कहीं एक समय भोजन किया तो 9 महीना में तुम्हारा शरीर दुगला पतला, जर्जर शरीर, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ेगी। फिर झाड़ू बुहारी बर्तन भाड़े काम नाम कौन करेगा? आप आओगे झाड़ू लगाओगे? क्योंकि हमसे तो काम होगा नहीं, हमारा शरीर तो कमजोर पड़ जाएगा 9 महीने। और चलो मान लिया, आपकी बात मान ली, जो होगा सो देखा जाएगा। भैया काम कौन करेगा? मन में विचार आया, कोई बात नहीं, बेटा चाहिए तो सब सहन करेंगे। और रही बात काम धाम की, तो ननद को बुला लेंगे, क्योंकि ननद वैसे भी आती है जब भतीजा होता है। 500 रुपए का सूट लेके आएंगी, 5000 को समेट के ले जाएंगे। क्यों ना हो, ननद को 9 महीना पहले ही बुला लेंगे। और खूब झाड़ू बुहारी बर्तन भाड़े काम धाम, और बढ़िया लास्ट में एक साड़ी बिला देके विदा कर देंगे, जब पधारो अपने घरों को जाओ। बड़ी खुश होगी, वाह वाह वाह। लेकिन 1 मिनट में फिर मन बदल गया, अरे ना ना ना, मैं नहीं बुलाऊंगी ननद को। क्यों? क्योंकि हमने ननद को बुला लिया और हमारा प्रसव का समय, हम महलों के अंदर पड़ी होंगी, हमसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, कमजोरी होगी शरीर में। और ननद की घर में होगी माल की, और ननद की कहीं मति बदल गई, कहीं बुद्धि बदल गई, नियत बिगड़ गई, और ननद कहीं बर्तन भाड़े भर के भाग गई, तो मैं नहीं बुलाऊंगी। क्या भरोसा ननद का? अब यह सोचने लगी, भैया बड़े झंझट है जा फल को खाने में। हमने सुना है व्यास पुत्र सुखदेव अपनी मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक टिके रहे, और यह बालक कहीं 12 वर्ष के लिए रुक गया तो हमारे तो प्राण गोविंदाय नमो नमः। और प्रसव के समय अगर कहीं आड़ा टेढ़ा हो गया तो जरूर प्राण हमें छोड़ने पड़ेंगे, मरना पड़ेगा। और प्रसव की पीड़ा कौन सहन करेगा? भैया कहूं 9 महीना पूर्ण हुए और गांव में लग गई आग, तो हमसे तो भगा नहीं जाएगा, जल करके राख हो जाऊंगी मैं नहीं खाऊंगी फल, चाहे बेटा होवे चाहे ना होवे। और इतना कष्ट सहन कर ले और बेटा को जन्म दे दे, जन्म देने के बाद कौन सा सुख है? देने के बाद भी लालने पालने दुखम, ये मलमूत्र हमसे साफ नहीं होगा, लालन पालन मैं ये गंदगी साफ नहीं कर सकती, मैं झंझट में नहीं पड़ूंगी, मुझे नहीं चाहिए बेटा, मैं नहीं खाऊंगी। अब ब्राह्मणी कह रही है, हमारी बुद्धि में आता है दो ही देवी सुखी हैं संसार में। देखो ब्राह्मणी की बुद्धि क्या कह रही है, मेरी बुद्धि में आता है दो देवी सुखी हैं संसार में, कौन? कि लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते और बंध्या वा विधवा नारी। क्या कह रही है कि बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत मे मती माने मेरी बुद्धि, मेरी बुद्धि में यही आता है दो सुखी हैं, कौन? या तो विधवा हो जाए या बांझ हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बस दो ही सुखी हैं, और तो सब झंझट में है, मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। और उसने फल नहीं खाया। इतने में उसकी बहन आ गई धुंधली की अपनी इच्छा से, स्वेच्छया। कभी कभी मेहमान बिना बुलाए भी आ जाते हैं। अरे भाई साहब, आपने फोन ही नहीं लगाया, आ रहे थे तो कम से कम फोन तो लगा देते, हम तैयार हो जाते, आप तो बिना बुलाए आ गए। हाँ हाँ, हमारा मन हुआ तो हम चले आए, बिना बुलाए ऐसे ही उसकी बहन आ गई स्वेच्छया। एकदा भगनी तस्या तदा ग्रहम स्वेच्छया गता। बहन ने आकर कहा, धुंधली क्या बात है, क्यों दुखी बैठी हो?
तो धुंधुली ने पूरी कथा सुना दी। बहन क्या बतावे, ऐसे ऐसे हमारे पति एक आफत लेके आए, क्या ऐसे ऐसे फल लेके आए महात्मा जी का दिया हुआ, और फल को खाने में बड़े झंझट है, बड़े नियम है, मैं इस फल को नहीं खाना चाहती। धुंधली को पूरी कथा व्यथा सुना दी बहन ने। बहन बोली नहीं खाना है तो मत खाओ। धुंधली बोली तुमने तो कह दिया नहीं खाना है तो मत खाओ, और 9 महीने बाद पति कहेंगे लाओ बेटा तो हम कहां से देंगे। बहन बोली सुनो हमारे पास 4 बेटा हैं, 5वां 1 महीने का गर्भ है, बेटा को जन्म देंगे हम और रातों रात तुम्हारे यहाँ भेज देंगे, अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा देंगे, जन्म लेते ही मर गए बेटा, बस। और रही बात लालन पालन की, तो अपने पति से हमारे पति को थोड़ा धन द्रव्य दिलवा देना और हम आकर के लालन पालन कर देंगे। बात आई समझ में। धुंधली बोली बात तो ठीक है, लेकिन जो महात्मा जी का दिया हुआ फल जाको क्या करे, कहा कि तुमने जो गौ पाली है उस गाय के लिए खिला दो, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। कहा ठीक है, गाय के लिए फल खिला दिया, अपने पति से झूठ बोल दिया, स्वामी हमने फल खा लिया, सुनो 9 महीना न आप हमारे दर्शन करोगे न हम आपके, क्यों ऐसा नियम क्यों बता रही है। कहा कि हमने विचार किया है 9 महीना महलों के अंदर रहेंगी और गीता पाठ करेंगी, सुख सागर की कथा पढ़ेंगी, भगवान का भजन कीर्तन करेंगी, जिससे ध्रुव प्रहलाद जैसा बेटा हो। अब भोले भाले पति आत्मदेव, कहा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। अब यह महलों से बाहर रहने लगे और धुंधली महल में छिपकर रहने लगे। धुंधली की बहन के गर्भ से बेटा हुआ, रातों रात उसने धुंधली के पास भेज दिया, अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, बेटा का जन्म हुआ और जन्म लेते बेटा मर गया। इधर धुंधली ने प्रातः काल अपने पति को समाचार भिजवाया कि बेटा का जन्म हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण ने खूब अन्न का दान दिया, वस्त्र का दान दिया, बर्तनों का दान दिया, सोने चांदी का दान दिया। भैया बेटा के जन्म के समय, नाती के जन्म के समय क्यों दान पुण्य किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो अशुभ घड़ी, अगर कोई अशुभ नक्षत्र अशुभ घड़ी तो है, उससे बदल जाती है, ग्रह बदल जाते हैं। कहते ना धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, व्याधियों का विनाश होता है और ग्रहों की शांति होती है, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यह दोनों बेटा ठीक 3 महीने बाद गऊ के गर्भ से एक बछड़ा का जन्म हुआ, बालक जो मानवों देवताओं जैसा रूप है, केवल गऊ जैसे कान। आत्मदेव ने उस गऊ के बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण माने गऊ जैसे कान, इसलिए गोकर्ण नाम रखा। बोल गोकर्ण महाराज की जय हो। अब अपने बेटा का नाम रखा, हे धुंधली हम अपने बेटा का नाम रख दें, हाँ हाँ हमारा नाम है आत्मदेव तो हमारे पुत्र का नाम होगा परमात्मदेव। एकदम धुंधली घुर्राते बोली बस इसी बात से तो हमारी तुम्हारी नहीं बनती, हमेशा चालाकी। अरे 9 महीना गर्भ में धारण हमने किया, प्रसव की पीड़ा सहन हमने की और नाम रखना चाहते हो अपने नाम से मिलता जुलता, बिल्कुल नहीं, तो क्या रखोगे क्या रखोगी। धुंधली बोली सुना हमारा नाम है धुंधली, हमारा बेटा का नाम होगा धुंधकारी, ऐसे धुंधकारी नाम रख दिया। दोनों बालक बड़े हुए तो ये क्या बने कि गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित ज्ञानी ध्यानी संत हो गए और धुंधकारी महाखला दुष्ट दुराचारी पापी अधर्मी, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, हत्या करने लगा, लूटपाट करने लगा, वेश्याओं की संगत करने लगा, सारे अवगुण सारे पाप जिसके अंदर हो गए। यह वेश्याओं के पास जाए, वेश्या जितना धन मांगे उतना धन चोरी डकैती हत्या हर प्रकार से उनको प्रसन्न करने में लगा रहता। एक दिन वेश्याओं ने ज्यादा धन मांगा, पिताजी के पास आ गया, पिताजी आपके पास जितना धन है सब हमें दे दो, आप क्या करोगे बुढ़ापे में धन का, और नहीं दोगे तो लोहे का डंडा देख रहे ना, जब डंडा से तुम्हारी ठुकाई पिटाई कर देंगे, सीधे हो जाओगे अभी होश में आ जाओगे, ऐसे धमकाया। सो पिता आत्मदेव तुरंत रात में पुत्र से दुखी होकर के, भैया ऐसे दुष्ट के साथ हमें नहीं जीना जो डंडा से मारे,
चलो कोई किसी का नहीं, ज्ञान हो गया और राजपाट छोड़ करके जंगल को चले गए मरने के लिए। अब जंगल में जाकर के मरना चाहते हैं, पहले क्यों गए मरने? पुत्र ना होने के कारण। और आज क्यों गए मरने? आज पुत्र से दुखी होकर के। तब गोकर्ण महाराज पहुंच गए और जाकर के समझाने लगे, ठहरो हे पिताजी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? आत्महत्या? आप शास्त्रज्ञ होकर के और ज्ञानी ध्यानी होकर के और आत्महत्या महापाप करने जा रहे हो। हे पिताजी, आत्महत्या करना महापाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करके मर जाता है उसकी दुर्गति हो जाती है। वह न जाने कितने लंबे समय तक वह भूत प्रेत जिंद मशान बन करके और दुर्गति पिशाच बन करके भटकता, भूखा प्यासा रहता है। क्यों होती है? अकाल मृत्यु वालों की दुर्गति, आत्महत्या करने वालों की, क्योंकि भगवान ने हमारी उम्र लिखी 90 वर्ष, ध्यान देना, और हमने 50 वर्ष में आत्महत्या कर। अब हमारी उम्र कितनी बची? 40, क्योंकि भगवान ने तो 90 वर्ष के लिए हमको भेजा कि जाओ मानव बन करके और 90 वर्ष तुम पृथ्वी पे रहो और अपना गृहस्थाश्रम भोगो, हमारा भजन करो। अब 90 वर्ष के लिए हम आए और 50 वर्ष में हमने आत्महत्या जबरदस्ती प्राणों को छोड़ दिया। अब 40 वर्ष भगवान की लिखी हुई बच गई। अब जब तक वह 40 पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक भगवान हमको कोई शरीर, दूसरा शरीर नहीं देंगे। अब तब तक दूसरा शरीर नहीं मिलेगा तो फिर कहां जाएगी आत्मा? आत्मा फिर जाएगी बिना शरीर वाले योनि में। भूत प्रेत जन्म मशान इनमें शरीर नहीं होता, हवा के रूप में रहते हैं, इनका शरीर नहीं होता। और इस भूत प्रेत जन्म मशान में यह आत्मा चली जाती है। और भूत प्रेत जन्म मशान भैया, इनको भोजन जल ग्रहण नहीं होता, ये भूखे प्यासे भटकते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, यही कष्ट सहन करते हैं जीवन भर और कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रेत का मुख सुई के नोक के बराबर होता है। प्रेत सुई धागा, वह भी सुई इतनी छोटी और उस सुई की नोक, ऐसा मुख होता है प्रेत का। और यह प्रेत बताओ इतने छोटे मुंह में क्या खाएगा, क्या बोलेगा, क्या कहेगा? कुछ नहीं, भूखा प्यासा भटकता रहता है। और अगर प्रेत को कभी मिलता है भोजन तो कब मिलता है? केवल 2 बार। कब? एक तो जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष, कनागत जिन्हें कहते हैं ना, उन 16 दिनों में हम जो श्राद्ध करते हैं, होम अज्ञारी करते हैं, जलदान करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, मान भानेज को भोजन कराते हैं, वह भोजन और वह जल उस प्रेत को प्राप्त होता है। अगर हमारे कुल में कोई प्रेत योनि में अपने पापों से पड़ा है, प्रेत बन गया, भूत बन गया, जिंद बन गया, तो उसे वह अवत प्रेत को वह जल प्राप्त हो जाएगा, भोजन प्राप्त होगा। 16 दिन भगवान उसके ऊपर दया करते हैं और कहते हैं, बेटा जा, 16 दिन के लिए तेरा मुंह हम बड़ा कर रहे हैं, और 16 दिन अपने परिवार में जा और खा पी जा, मौज कर, और 16 दिन के बाद फिर पूरी साल कुछ नहीं, फिर भूखा प्यासा तड़पेगा। वह 16 दिन तुम्हारे छत पे आकर के बैठ जाता है, छज्जे पे आकर बैठ जाएगा, दरवाजे पे आकर बैठ जाएगा, और आस लगा करके आता है कि वो हमारे नाती बेटा वंशज हमको जलदान करेंगे, पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, होम अज्ञारी करेंगे, और आस लगा करके बैठा है। और हमने उसके लिए कुछ किया नहीं, जलदान किया नहीं, होम अज्ञारी की नहीं, श्राद्ध किया नहीं, किसी को, संत को, ब्राह्मण को, मान भानेज को भोजन कराया नहीं, तो रो करके दुखी होकर के तुम्हें श्राप दे के जाएगा। हाँ। और जब वह दुखी होकर के जाता है उसी दिन से तुम्हारे ऊपर पितृ दोष, कहते ना कि तुम्हारे पितृ दोष है, पितृ दोष का मतलब तुम्हारे पितर नाराज है, यहाँ पितर नाराज, पूर्वज नाराज, हमसे कोई गलती हो गई जिस कारण वो नाराज हुए, इसलिए हमारे घर में पितृ दोष है। और दूसरे इसे भोजन कब मिलेगा? जब नांदी श्राद्ध, एक तो घर में जब पूजा पाठ होता है, भागवत हो, दुर्गा पाठ हो, कोई भी कार्य हो, तो पंडित नांदी श्राद्ध कराते, पूजा कराते हैं,
और या दूसरा नांदी श्राद्ध कहते हैं घर में नाती बेटा का जन्म हो। आपने देखा होगा मैया, जब घर में नाती बेटा का जन्म होता तो घर का एक सदस्य लेज बाल्टी लेकर के कुआं पे जाता और पानी खींच खींच करके दो चार बाल्टी, हाँ, या फिर कहीं कहीं घर में बर्तन मांज धोकर के रख दिए जाते और जैसे नाती बेटा का जन्म हुआ और तुरंत उस पानी को लुढ़का दिया, फैला दिया और किसी मान भानेज को या किसी ब्राह्मण को ज्यादा नहीं तो घी गुड़ मिला करके और भोजन करा दिया। तो वह भोजन और वह जल ये अपने पूर्वज कोई पापों से प्रेत योनि में अवत योनि में तो उसे जल प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है और खुश होकर के वह आशीर्वाद दे करके जाता है, हे प्रभु इस वंश में ऐसी नाती बेटा आमे और ऐसी हमको भोजन मिले और उसके पुकार से और भगवान हमारे घर में नाती बेटा बार बार पहुंचाते हैं। जब उसे उसके वंश में नाती बेटा काफी समय से नहीं जन्म हुआ तो भगवान से रोता है, प्रभु हम भूखे हैं प्यासे हैं, हमारे लिए हमारे वंश में नाती बेटा पहुंचाओ जिससे हम भोजन और जल ग्रहण करें। और उसकी रुदन सुनकर के पुकार सुनकर भगवान उसके वंश में नाती बेटा पहुंचाते हैं, बड़ा खुश होता है, वाह प्रभु वाह अब हमको भोजन मिलेगा जल मिलेगा, खुश होकर के अपने दरवाजे पे आगे बैठता है। और नाती बेटा का जन्म हुआ और हमने यह नांदी श्राद्ध नहीं किया, जल नहीं फैलाया, किसी मान भानेज को ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया तो वह नाराज होकर के रूठ के जाता। देखो हम बताएं, जब तक बालक का जन्म हो और जो नरा कहते हैं ना वह जब तक नहीं काटा जाएगा तब तक सोवर प्रारंभ नहीं होती, उससे पहले आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी मान भानेज को आप कुछ भी मीठा खिला सकते हो, नारा कट जाएगा फिर सोवर प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही मरने के नियम है, अपने घर में कोई शुभ कार्य चल रहा है और घर में परिवार में कोई मृत्यु हो गई तो जब तक दाह संस्कार नहीं होगा अग्नि संस्कार तब तक सूतंग चालू नहीं होता, उस सूतंग तभी चालू होगा जब अंतिम संस्कार हो जाएगा और तब तक आपके ऐसा कुछ है तो उसे पूरा कर लो क्योंकि तब तक सूतंग नहीं माना जाता। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे आज यहां पर उस प्रेत को वह आस लगाता है और भगवान बड़े खुश होता है कि प्रभु अब हमारे घर में नाती बेटा होगा हमें भोजन मिलेगा और तुमने नहीं किया तो नाराज होकर फिर भगवान से कहता है प्रभु ये दुष्ट पापी ना तो हमें भोजन दिया ना जल दिया, अब हम आपके हाथ जोड़ते हैं जा कुल में आज के बाद ना नाती आवे ना बेटा आवे बिल्कुल बंद। और उसके क्रोध के कारण भगवान बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब समझ लो पितृ दोष के लक्षण, अगर संतति रुकी हुई है घर में संतान नहीं हो रही तो समझ लो तुम्हारे पितृ नाराज, घर में बिना कारण झगड़े कोई कारण नहीं और आपस में झगड़े कलेश मचा है समझ लो पितृ दोष है, पैसा खूब कमा रहे हैं लेकिन उससे दूना खर्च हो रहा है समझ लो पितृ दोष है, या एक को हम हॉस्पिटल से छुट्टी करा के आए नहीं और दूसरा बीमार, दूसरे को लाए नहीं तीसरा बीमार, मतलब बीमारी घर में से नहीं निकल रही, एक ने एक नंबर लगाया समझ लो पितृ दोष है, अनेक कारण होते हैं ऐसे पितृदोष समझ लो। और पितृदोष के उपाय, पितृदोष की देखो वैसे तो घर में पूजा होती नहीं, अगर कोई पंडित कहे भैया तुम्हारे पितृदोष है और हम तुम्हारे पितृदोष की पूजा कराएंगे 10,000 रुपए का खर्चा आएगा, कभी मत कराना क्योंकि पितृदोष की पूजा घर में होती नहीं, पितृदोष की पूजा होगी किसी तीर्थ में किसी नदी के किनारे, वृंदावन जाओ चित्रकूट जाओ अयोध्या जाओ हरिद्वार जाओ कहीं भी किसी तीर्थ में नदी के किनारे गंगा के किनारे यमुना के किनारे वहां 3 दिन की पूजा और वहां आप पूजा करा दोगे पितृदोष की पितृदोष समाप्त हो जाएगा। एक तो यह है इसमें खर्चा क्योंकि वहां जाओगे खाओगे पूजा कराओगे दक्षिणा दोगे 10-20,000 रुपए खर्च हो जाएगा, अब इतनी अपनी ताकत नहीं अपन गरीब है कहां से लाएंगे और पितृदोष की पूजा शांत करा नहीं। तो दूसरा नियम घर में समय कम है लेकिन बता देते, घर में जैसे पढ़ेली
अब हमारे तोमर घर में मुरैना भिंड उधर पड़ेली बोलते हैं आपके यहाँ क्या, जहाँ पीने के बासन रखे जाते हैं, कलसा बाल्टी मटका पीने का पानी रखा जाता है उसको वहाँ पड़ेली बोलते हैं आपके यहाँ जो भी बोलते हो समझ लो। तो जहाँ पीने के बर्तन रखे जाते हैं वहाँ घर के देवता वास करते हैं, पितृ अपने पितर पूर्वज वहां रहते हैं। वहां एक घी का दीपक रोजाना रखो, शाम को जब शाम की आरती करो ठाकुर जी का दीपक अलग जलाओ, तुलसी मैया का दीपक अलग जलाओ और जा देवता को जलाओ वो अलग जलाओ, लेकिन अपने पितृ पूर्वज देवताओं के नाम का एक वहां दीपक रख दो, जहां पानी का कलसा बाल्टी मटका जो भी बर्तन रखा हो उसी के बगल में, और रोजाना रखो महीना भर दो महीना चार महीना, धीरे धीरे आपका पितृ दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा और पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे कार्य बनना चालू हो जाएगा। ज्यादा ना बने तो सवा महीना करके रख लेना। हाँ, अगर तुम्हारी बच्ची की सगाई नहीं हो रही, घर नहीं मिल रहा, खूब प्रयास कर रहे हैं, दो साल हो गई चार साल हो गई, ये दीपक रखना चालू कर दो और भी थोड़ा जोड़ दो, इसमें एक मिट्टी का कलश ले आओ और मिट्टी का कलश भर करके रख दो, या तो रसोई में रख दो या घर में किसी दक्षिण दिशा में रख दो, क्योंकि पितृ दक्षिण दिशा में हमेशा रहते हैं, घर में दक्षिण दिशा में उस कलश को भर कर रख दो किसी अच्छे वार को, मंगलवार छोड़कर के किसी वार को, और ढक दो उसे पारे से जो सरैया आदि आदि, सुबह नहा धो करके उसमें एक जितना सूख जाए उतना जल उसमें और डाल दो, जितना सूखे उतने खाली नहीं करना, एक लोटा आधा गिलास एक चम्मच दो चम्मच डालते रहो, एक महीना सवा महीना तक यह क्रम चलाओ लगातार, सुबह जल और शाम को दीपक उसी कलश के बगल में, सवा महीना करके देख लो आपको तुरंत घर मिल जाएगा, चाहे कितने भी परेशान हो एक सवा महीना दो महीना में तुरंत घर मिल जाएगा और जैसा आप सोच रहे वैसा मिल जाएगा, करके देख ले। उल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इससे भी पितृ शांत होता है। अब दूसरा उपाय, अपने घर के आसपास कोई शंकर जी का मंदिर हो, एक लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना चालू करो, लेकिन जल कहां से चढ़ाना, कुछ लोग क्या करते हैं जल तो चढ़ाते हैं घर से, गए बाल्टी लेकर के बाल्टी लोटा और शंकर जी के मंदिर पे ही हेडपंप पे नहाए, वहीं से जल भरो और वहीं शंकर जी पे चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं। जब हमने बताया ना घर में जो अपन पीने का पानी रखते हैं बाल्टी कलसा भर करके मांझ धो करके, वहां पितृ निवास करते हैं अपने देवता रहते हैं, उस कलसा में से पानी भर के ले जाओ लोटा और मंदिर पे जाके चढ़ाओ, जब वह लोटा भर के जाओगे मंदिर तक तो तुम्हारे पितर तुम्हारे साथ में जाएंगे शंकर जी के मंदिर, क्योंकि वहीं तो है पढ़ेली पे, वहां से साथ में गए, तुमने शंकर जी पे लोटा जल चढ़ाया और भगवान भोलेनाथ ने आधा जल तुम्हारे देवताओं को पिला दो, ले बेटा पियो, और जब उन्होंने जल पिया तो एकदम प्रसन्न हो गए, और एक दो महीना चार महीना करोगे और धीरे धीरे तुम्हारा पितृ दोष शांत हो जाएगा, पितृ प्रसन्न हो जाएगा, यह नियम है। ऐसे अनेक नियम होते हैं, अब सात दिन की कथा है, समय के अनुसार आगे भी। उल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे है धुंधकारी अपने पिता को डरा धमका करके चला गया, पिताजी घर छोड़ करके मरने के लिए गए, गोकर्ण महाराज आए कहा पिताजी आत्महत्या करना महापाप है, या संसार में कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का बेटा है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, ना माता है, यह मोह के नाते है, न जाने कितनी बार हम आपके पिता बने और आप हमारे पुत्र बने, और कितनी बार हम पुत्र बने और आप हमारे पिता बने, यह तो चक्र है चलता रहता है, पिताजी कोई किसी का नहीं, आप ज्ञानी ध्यानी होकर के और संसार की यह मोह माया में पड़े हो, हमारी बात मानो और भगवान परमात्मा के भजन में लग जाओ, यह संसार में कोई किसी का काम नहीं आता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वी
देश भी राना है रहे यह संसार का गज की पुड़िया 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 हवा लगे उड़ जाना है हवा लगे उड़ जाना है रहना नहीं देश भी राना है रे आ नहीं देश विराना है रहना नहीं देश भी राना है रे आ नहीं देश विराना है संसार में टिकी डेली संसार में टिकी डेली हो बूंद पड़े घुल जाना है हो बूंद पड़े घुल जाना है रहना नहीं देश भी राना है रहना नहीं देश विराना है यह संसार जंगल की लकड़ी 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 आग लगे जले जाना है आग लगे जले जाना है रहना नहीं देश वीराना 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 बोलबक्कवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे आज गोकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया कि देश मास रुद्रे भीमतिम तेजत्वम जाया सुताद सुसदा ममताम विमुंचा पश्यान्शम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम और वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठम हे पिताजी कोई किसी का नहीं सच्चा सुख चाहते तो भगवान का भजन करो ऐसे आज ज्ञान दिया और अपने पिता को परमात्मा के चरणों में लगा दिया। अब यह धुंधकारी अपनी मैया के पास पहुंच गया। हे मैया पिताजी तो चले गए जंगल में पिताजी के जाने के बाद तिजोरी की चाबी आपके पास है लाओ हमें दो और नहीं दोगी तो लतियान चेत हम लात और घूंसों से तुम्हें मारेंगे। मैया धुंधली इतनी दुखी हो गई ऐसी संतान जो लात घूंसों से मारे या दुष्ट के साथ हमें नहीं रहना और दुखी होकर रात में खड़ी हुई दरवाजे पर कुआ और छलांग लगा करके प्राण गोविंदा नमो नमः। गोकर्ण महाराज ने सोचा कि पिताजी जंगल में माताजी कुआ में और जा दुष्ट दुराचारी धुंधकारी के साथ हम कैसे रह सकते हैं। सोटा लोटा लंगोटा उठाया और तीर्थ यात्रा को चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया
अभी तक वैश्याओं के घर जाता, अब पांच वैश्याओं को अपने घर में ले आया। एक दिन वैश्याओं ने कहा, धुंधकारी अपने नगर के राजा, राजा की जो रानी जो बहुमूल्य हार पहनती है, उस हार को हमें चोरी करके ला कर दे दो, जीवन में कुछ नहीं मांगेंगे, बहुत प्रेम करेंगे तुमसे। यह गया और महलों से चोरी करके हार लेके आया, वैश्याओं को दे दिया। वैश्या हार देख करके सोचने लगी, बहन रानी के महलों से हार चोरी करके लाया, और किसी सैनिक ने अगर देख लिया होगा चोरी करते हुए तो प्रातःकाल पकड़ा जाएगा धुंधकारी और फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और धुंधकारी फांसी पर लटकते समय अगर हम पांचों का नाम ले दिया तो हम राजा हम पांचों को भी मार डालेगा। क्या करें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तुरंत वह धुंधकारी को गला पकड़ लिया और जोर से दबाया, आंखें पलट गईं, लेकिन इसके प्राण नहीं निकले। कहा कि यह तो मरता नहीं बहन। एक वैश्या बोली, अगर यह बच गया तो हम पांचों को नहीं छोड़ेगा, क्या करें कि बचना नहीं चाहिए। एक वैश्या गई अंगारे आग के, एक अंगारे भर करके ले आई कि अग्नि ज्वाला दुखे न के तप्तांग रसमुआश्य तन मुके बिच छुपो, अग्नि ज्वाला दुखे न व्याकुलो निधनम गता। इसके मुंह में अंगारे डाल दिए, व्याकुलम निधनम गता, एकदम तड़पता भलगता इसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। वैश्याओं ने गड्ढा करके बीच आंगन में गाड़ दिया और सारे धन को समेट के परदेश चली गई। यह समाचार धीरे धीरे उड़ते उड़ते गोकर्ण महाराज को मिला, जहां जिस तीर्थ में आवाज उड़ते उड़ते पहुंची कि तुम्हारे भाई को वैश्या मारकर गड्ढा खोद कर गाड़ के और धन लेके परदेश चली गई। अब जिस तीर्थ में जाए वहीं पिंडदान करें, जलदान करें अपने भाई की मुक्ति के लिए। एक दिन इनको जन्मभूमि याद आ गई और लौट करके आए। अपने आंगन में चारपाई डाल करके सो रहे थे। अर्धरात्रि का समय, धुंधकारी वह प्रेत बन गया, अकाल मृत्यु हुई तो प्रेत बना। आधी रात को भैंसा बनकर के, बकरा बनकर के रमाता डकराता और गोकर्ण महाराज को डराने लगा। गोकर्ण महाराज की नींद खुल गई। अरे दुष्ट दुराचारी पापी, कौन है तू जो भेष बदल बदल करके हमें डराने का प्रयास करता है? ये तेरी दुर्गति कैसे हुई, कौन है बता, क्यों भेष बदल करके हमें रूप दिखा रहा है? यह और जोर से रोने लगा। गोकर्ण महाराज समझ गए कोई पापी है, इसकी दुर्गति हुई है। मंत्र गायत्री मंत्र पढ़कर के जो छींटा लगाया, थोड़े पाप जलकर भस्म हुए, बोलने की ताकत आई। अब अपना परिचय दिया, सुनो गोकर्ण महाराज के, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुंधकारीत नामता और स्वकीयेन नैव दोषेण ब्रह्मत्व नाशितं मया। अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत योनि में पड़ा हूं, भूखा प्यासा भटक रहा हूं, मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढो। अब गोकर्ण महाराज ने कहा, भैया धुंधकारी तुम प्रेत बन गए? कि हाँ, मैंने अपने ब्रह्मणत्व का नाश कर दिया, अपने पापों के कारण मरने के बाद मैं प्रेत बना हूं, ना खा सकता हूं ना पी सकता हूं, भैया मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढो। गोकर्ण महाराज ने कहा, जाओ अर्धरात्रि का समय है और प्रातःकाल कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। ऐसे विदा कर दिया। प्रातःकाल हुआ, गांव वाले आए, भैया गोकर्ण से मिला मैं, चलो दर्शन करा, सबसे एक ही प्रश्न करें कि कोई प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति का उपाय बताओ। सबने विचार किया, जब गोकर्ण जैसे ज्ञानी नहीं जानते तो हम क्या बतावें। सब बातें टाल मटोल करके चले गए। गोकर्ण महाराज ने कमंडल से जल लिया और सूर्य भगवान की ओर जो मंत्र पढ़ के छींटा लगाए, सूर्य भगवान की गति रुक गई रथ की। कहो बेटा गोकर्ण, क्यों हमारे रथ को रोका? कहा कि हमारा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, मुक्ति का उपाय बताओ। तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्तावाचनम कुरु इति सूर्य वचा सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम। श्रीमद भागवतान मुक्ति, श्रीमद भागवत की कथा सुनाओ और मुक्ति हो जाएगी। अब गोकर्ण महाराज ने स्वयं वक्ता बन गए, गंगा के किनारे उच्च आसन पर बैठकर भागवत प्रारंभ की।
बड़े बड़े संत मुनि महात्मा शिष्य मंडली लेकर श्रोता बनकर हजारों विराजमान हो गए। प्रेत धुंधकारी को बुलाया, आ जाओ, अब हवा के रूप में वह कथा नहीं सुन पावे, उड़ जाए। तब एक बांस लिया और बांस में धुंधकारी को बिठाल दिया और कथा प्रारंभ हुई। सात दिन में सूखे बांस की सातों ग्रंथियां फट गईं, पहले दिन में पहली, दूसरे दिन में दूसरी, सात दिन में सातों ग्रंथियां, और धुंधकारी सातवें दिन प्रेत योनि से मुक्त होकर के देव रूप में प्रकट हो गया। विमान आया और विमान में बैठ के धुंधकारी जाने लगा। गोकर्ण महाराज ने पूछा, अरे भगवान के पार्षदों से, भैया भगवान के धाम में वैकुंठ में अंतर, अरे कथा तो हजारों श्रोताओं ने सुनी लेकिन अकेले धुंधकारी को एक ही विमान क्यों आया, इन सब श्रोताओं को नहीं? भगवान के पार्षद बोले, सुनो, जैसे धुंधकारी ने मन चित्त लगाकर कथा सुनी वैसे सबने कथा नहीं सुनी, नहीं सबको विमान आता। ये बैठे तो कथा पंडाल में लेकिन मन घूम रहा इनका संसार में, और धुंधकारी ने मन चित्त लगाकर कथा सुनी इसलिए विमान आया है। अगर सब सुनते तो सबको विमान आते, वास्तव में सही बात है। ये मन बड़ा विचित्र है। हाँ, मन बैठी तो कथा में, देखो मैया हम बैठे तो कथा में लेकिन मन माधोगढ़ समोसा के ठेला पे समोसा खा रहा है। मन आगरा का ताजमहल घूम रहा है। अब बताओ कथा में बैठी हो मन ताजमहल पे घूम रहा है तो ऐसी कथा से क्या मतलब? आजकल यही तो हो जाता है, बैठे कथा में और मन अटका नाती पे कि पतो ना है बहु ने नाती को दूध पिलायो हो के ना, ऐसो हो के नाती रो रहो हो, बहु बैठी हो मोबाइल चला रही हो। बता, कथा में बैठी हो बहु नाती पे ध्यान, ऐसा हो कि बहू को सो जाए और नाती झीना पे चढ़ जाए सो गिर पड़े, हम आचे आए कथा में। अब बैठी कथा में मन अटको नाती पे, ऐसा हो जाता है। देखो एक कोई मैया, मैयन की दिशा मत पूछो, एक कोई मैया कथा में बैठी और हर 10 मिनट पे अपने घर की ओर देख रही, हर 10-5 मिनट में। अब पंडित जी ने देखा मैया का मन नहीं लग रहा, क्या बात है, या कोई तकलीफ है शरीर में, मैया का बात है, कथा अच्छी नहीं लग रही, इधर उधर क्या देख रही हो? मैया खड़ी होकर बोली, पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी लग रही, तो इधर उधर क्यों देख रही हो बार बार? अरे पंडित जी घर में तालो लगा के आई और तालो खींच के ना देख पाओ, डर लगो कौन ढीलो ना रहे। अब बताओ बेटी कथा में मन अटको ताले पे, तो ये मन बड़ा विचित्र है। देखो ये मन ही तो परमात्मा से मिलाता है और मन ही भजियते कर देता है। कैसे? एक कोई ठाकुर जी के मंदिर जा रहे थे, 1 मिनट में आरती की ओर चल रहे, कहां जा रहे हो? ठाकुर जी के मंदिर। अब मंदिर में पहुंचा और आज ही वो बाजार से 5000 के जूता पहन के आओ। अब जूता चाहे तो 250 के हो और चाहे 500 5000 के हो, ऐसो नियम है काउ मंदिर में कि 250 के जूता मंदिर के बाहर उतारो और 5000 के 10000 के पहन जाओ अंदर, जा हैं, चाहे तो सस्ते हो चाहे महंगे हो जूता मंदिर में नहीं जाते। अब 5000 के जूता वो आज ही पहन के आओ, ठाकुर जी के मंदिर गओ, दरवाजे पे माने जूता उतार दे। अब ठाकुर जी के सामने खड़ो है के स्तुति कर रहा है, क्या कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंद अभवम भवानी शयतम नमामि। एक श्लोक पूरा है वो, आंख बंद करके पुनः करते हैं ना स्तुति आंख बंद करके, एक श्लोक पूरा हो गया आंख बंद किए। अब दूसरा श्लोक शुरू किया कि त्वमेव माता, अब इतनो ही है पाओ दूसरा कितनो कि त्वमेव माता, और तोनो मन में खलबली मच गई कि तोन आंख बंद मत करो, तोनो 5000 के को ले जाए तो का करेंगे, देख ले कहां खोल के रखे के गए। अब बीच स्तुति में माने आंख खोली जूतन की ओर कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जूतन की ओर देखो सो पितको ही हाथ पितको ही जाको, मतलब कहा बहो के ठाकुर जी तुम्हें वो माता आप हो लेकिन पिताजी जूता है, और जूतन को प्रणाम, कौन बहो
क्योंकि मन के कारण, मन ही तो ले गया जूताओं की ओर, तो मन बड़ा विचित्र है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिला बे राम सो, मन ही करत पजीत श्री रामा हो। यह मन बड़ा विचित्र है, मन के हारे हैं हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजीत। हाँ? बोले भक्त वत्सल भगवान की। गोकर्ण महाराज ने एक बार फिर भागवत की कथा कही श्रावण के महीने में, और अब की बार सब श्रोताओं ने मन लगाकर कथा सुनी। हजारों विमान लेकर भगवान नारायण प्रकट हो गए। सब देव, सब श्रद्धालु श्रोतागण विमानों में बैठ गए। भगवान ने स्वयं अपने विमान में गोकर्ण महाराज को बिठा लिया। बेटा गोकर्ण, तुम धन्य हो जो तुमने दो बार भागवत कही संसार के कल्याण के लिए। ऐसे है गोकर्ण महाराज और धुंधकारी उपाख्यान की कथा। अब यहाँ पर सप्ताह श्रवण विधि, केवल दो मिनट में सप्ताह श्रवण विधि समझाई। सबसे पहले शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में भागवत कथा प्रारंभ करें। बढ़िया अच्छी जगह जहाँ श्रोता खूब भीड़ चौड़ी जगह हो, जहाँ बैठ करके कथा का आनंद ले सके। बढ़िया छाया का प्रबंध करे, आरामदायक आसनी बिछावे जहाँ श्रोता आराम से कथा सुन सके। गऊ के गोबर से लिपवावे, केला के खंबा बंधन वार पताका खूब सजावट करे, जैसे बच्चा बच्ची के विवाह में सजावट करते हैं। और बढ़िया संत ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करावे। और ऐसे है भागवत कथा सात दिन बन जाए तो व्रत रख करके कथा सुने। अब व्रत मैया कितने प्रकार का होता है? व्रत तीन प्रकार का होता है। एक व्रत होता है निराहार, एक होता है फलाहार। निराहार कौन सा होता है? कौन सा व्रत है मैया? निराहार। निराहार का मतलब जिसमें कोई आहार भोजन नहीं लिया जाता, कुछ नहीं, जल भी नहीं। कौन सा है? निर्जला एकादशी और करवा चौथ है, इसमें जल भी नहीं लिया जाता, तो ये निराहार व्रत है। दूसरा होता है फलाहार, जिसमें फल का आहार। और तीसरा व्रत होता है जिसमें एक समय फल का आहार और एक समय भोजन। सोमवार का व्रत है, गुरुवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, रविवार का व्रत है, एक समय भोजन। अब तुमसे जो बन जाए, निराहार हो सके तो निराहार होकर सात दिन कथा सुने, अन्यथा फलाहार व्रत रख करके कथा सुने। ऐसे भी नहीं तो एक समय फलाहार करे, एक समय भोजन करे, ऐसे कथा सुने। और ऐसे भी नहीं क्योंकि दवाई खानी है, शरीर असमर्थ है, कमजोरी है, हम नहीं रह सकते दोनों समय फलाहार में, तो भैया दोनों समय भोजन कर लो, यहाँ तक छूट दे रखी है। लेकिन सुबह आधा भोजन और शाम को पूरा भोजन। आधा का मतलब छह फुलका खाते हो तो तीन खाओ, छह खाओगे तो छह घंटा बैठ नहीं पाओगे, जमाई आएगी, नींद आएगी, आलस आएगा, इसलिए आधा करके आओ। और शाम को चुका दो बदला। अब क्या चादरा उड़ के सोना ही तो है, तो शाम को पूरा भोजन। ऐसे भी कथा सुनो दोनों समय। व्रत में, अब व्रत के नियम और सुन लो दो मिनट, हर व्रत के नियम है ये। व्रत में यह नहीं कि केवल अन्न छोड़ दिया व्रत हो गया, नहीं, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। हमको यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि आज हमारा एकादशी का व्रत है, आज करवा चौथ का व्रत है, आज सोमवार का व्रत है, आज भोमवार का व्रत है। व्रत का मतलब केवल अन्न नहीं, हमारा जिस दिन व्रत है उस दिन हम कोई गलत काम ना करें, झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें,
किसी से झगड़ा ना करें, बाल आदि नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। काफी लोग व्रत रहते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, बाल कटवा लेते हैं, नाखून काट लेते हैं। नहीं, व्रत में नाखून मुंह से नहीं। काफी लोग व्रत है और नाखून चबा रहे हैं। नहीं, ऐसा काम ना करो कि शरीर में रक्त निकले। कोई लोहा का काम ऐसा कि कहीं लग गया, रक्त निकल गया तो व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्रत में झूठे मुंह नहीं रहना चाहिए। रोजाना अगर हमने खाया पिया कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन व्रत है, व्रत में कुछ भी खाओ तुरंत आचमन करो, कुल्ला करो, लेकिन झूठे मुंह मत रहो, तुरंत मुंह। हाँ, ऐसे है, सात दिन नियमों के अनुसार व्रत सुने, व्रत करके और कथा सुने। तो सप्ताह श्रवण विधि समझाई और यहां तक आपने कथा सुनी और समय ज्यादा, छह से ज्यादा हो चुका, 6:20 हो गए, गर्मी ज्यादा है, उमस इतनी है, तो आज यही कथा को विराम, कल से 1 बजे से, ठीक है, यही समय रखें, 1 बजे से, 1 बजे से 6 बजे तक है आपका समय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए 1 मिनट कीर्तन, उसके बाद आरती के लिए खड़े हो जाओ। ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ भैया, देखो परीक्षित जी के परिवार वाले, परीक्षित जी के भाई, बेटा, बहू, नाती, बेटा, यह आरती में सुबह शाम बिगर कहें आगे आया करो, आरती में सम्मिलित हुआ करो, परिवार वाले वही सामने, वही वही ठीक है, वही सामने वही हो जाओ खड़े, वही वो थाली, एक थाली नीचे रहेगी, एक थाली ऊपर। कल से नहीं होगी तो परीक्षित जी को वही रखेंगे, क्योंकि परीक्षित जगह कोई बात नहीं, कल से नीचे से करा, पकड़े रहना और गिरना जाए, और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ, ठीक है ठीक है, यहीं से कर। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चो सूर्यो अजायत सोत्राद्वायस प्राण समुकाद अग्निरजायत, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाके बिहारी तेरी आरती गा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं,
गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देखी छवि में बल बल जाऊं, देख छवि में तो बल बल जाऊं, रेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, रेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, सेवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, संसार सारम मुझे हारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी तुम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो संसार त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।